फाइनाइट स्क्रॉल बढ़ाया था जो, उसका मैंने फोल्डर अलग बनाना भूल गया था मैं, राइट, अपडेट पासवर्ड में ही उसको कर दिया था। ओके गॉट इट। और अपडेट पासवर्ड के साथ साथ फॉरगेट पासवर्ड भी तो पढ़ा था हमने, राइट, बीच में ना। चलो अपडेट पासवर्ड और फॉरगेट पासवर्ड तो एक साथ हो जाए तो ठीक है, लेकिन इनफाइनाइट स्क्रॉल शायद मुझे इसका फोल्डर अलग बनाना चाहिए था। तो एक काम करते हैं, ज़रा इसका फोल्डर जो है ना अलग बना लेते हैं। सही है, खुल जा सिम सिम। अच्छा जी, ये बैज 8 की रिपोजिटरी आ गई है हमारी। और ये है वो कोड जो मैंने लास्ट लिखा हुआ था, राइट। तो एक्चुअली अब मुझे करना क्या होगा, मुझे इसकी एक कॉपी बनानी होगी, और मुझे इसकी एक कॉपी बना के इसका नाम रखना होगा 12। पेजिनेशन इनफाइनाइट स्क्रॉल, राइट। अच्छा, तो ये लेटेस्ट कोड मेरे पास ये आ गया फोल्डर नंबर 12 में, और फोल्डर नंबर 11 से मुझे वो वाला कोड माइनस करना होगा जो मैंने कल किया था, तो वो मैं ज़रा अभी करने की कोशिश करता हूँ। चेकआउट, हाउ डू आई चेकआउट, कैसे चेकआउट होगा, तो उन्होंने कुछ चेंज किया गया। डोंट क्रिएट अ ब्रांच। अच्छा नहीं, इस पे तो ये पहले से ही चेकआउट है। ये जो चार फाइलें हैं एक्चुअली, ये वाली मुझे चार फाइलें रिवर्ट करनी है, राइट। तो मैं इधर चेकआउट कर जाऊंगा, सही है, इधर चेकआउट करने से ये 11 वाले में पुराना कोड आ गया। समझ आ रहा है ये सब लोगों को कैसे हो रहे हैं। और इसको मैंने इसका नाम चेंज कर दूंगा, अपडेट पासवर्ड एंड फॉरगेट पासवर्ड, राइट, इसका मैंने नाम चेंज कर दिया। मे बी इसकी मैं एक कॉपी बना लूँ अलग से। सिर्फ रीनेम करने से तो नहीं होगा एक्चुअली, ये इसकी मुझे एक कॉपी बनानी पड़ेगी। ये पुराना कोड जो है उसको मैं क्या करता हूँ, इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ। और ये कॉपी मैं कैसे बनाऊँगा भला, रिवील इन फोल्डर, और मैं कहूँगा कि यार इसकी ना कॉपी बना दो। सही है, जिस पोजीशन में ये कोड था इस वक्त मैंने इसकी एक कॉपी बना दी। अब ये आज की डेट में कॉपी हो जाए बस। एक्चुअली ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा रहा है कॉपी होने में, क्योंकि इसमें दो दो नॉड मॉड्यूल्स हैं ना अंदर, एक वेब वाला और एक हमारा जो अपना एक्सप्रेस वाला है। तो वेल, जैसे ही ये कॉपी कंप्लीट हो जाएगा मैं वापस इसको क्या कर दूंगा, मास्टर पे चला जाऊंगा चेकआउट करके।
काफ़ी टाइम ले रहा है यार कॉपी होने में। ठीक है जी, तो अब मेरे पास ना दो बन चुका है, ये भी नया कोड है और ये भी नया कोड है। ये वाला कोड लेटेस्ट वाला है और ये मैंने लास्ट वाला कोड खींच के बाहर निकाला है उसमें से। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं वापस से मास्टर पे चेकआउट कर जाऊँगा। एक्चुअली ठीक है जी, अबे कैसे चेकआउट होगा ये मास्टर पे? लैपटॉप बिल्कुल ही हैंग हो रहा है यार, पता नहीं क्या सीन है, क्या कर दिया मैंने ऐसा। सही है, चेकआउट हो गया है नए वाले का। अब वापस आते हैं, अब यहाँ पे गेम क्या है मेरे पास, ये मेरे पास कल का कोड आ गया, ये मेरे पास आज का कोड आ गया, यानी अभी तक का कोड जो है। अच्छा, ये हमारे पास जो है रेलेवेंट हो चुका है, ठीक है। एक्चुअली ये रेलेवेंट नहीं हुआ, यही है मेरा नया वाला कोड। इसमें से कौन सा नया था कौन सा पुराना, तो मैं खुद ही भूल गया। वेल देख लेते ट्वीट किए इसमें, ये पेजिनेशन वाला है ना, तो इसके अंदर वो कंपोनेंट में वो होना चाहिए। होम डॉट जेएसएक्स में किया था मैंने ना, सही इनफाइनाइट स्क्रॉल लगा हुआ है इसमें, तो ये मेरा सही है बिल्कुल, इनफाइनाइट स्क्रॉल सही लेवल लगा हुआ है। इसमें वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसमें जो है होम पे वो नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो ये पुराना वाला है, ठीक है जी। तो मैं इसको जस्ट लिखूँगा मैं रीनेम, और रीनेम लिख के इसको मैं पुश कर दूँगा। आई थिंक इसको भी मुझे रीनेम करना था, अपडेट पासवर्ड एंड फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है, शायद ये बेहतर नाम रहेगा इसके लिए। एक और रीनेम की कमेंट बनेगी ये, मैं असल में मेरा जो रिपोजिटरी का साइज़ है ना वो बहुत बड़ा हो गया है, तो इस वजह से मैं कोई भी ऑपरेशन कर रहा हूँ तो वो बहुत स्लो डाउन हो जा रहा है। अच्छा, वो मेरे समझ आ गया एक्चुअली क्या हुआ है, मेरा लैपटॉप ना हीट अप हो रहा है, अभी मैंने फ़ैन फुल किया है इसका, तो अभी ये सेट हो जाएगा, है ना, 52 डिग्री पे पहुंच गया है। तो नहीं, वैसे बॉडी पे फील नहीं होता, लेकिन ये बता रहा है कि भाई 52 डिग्री पे पहुंचा है। पता नहीं क्या कर रहा है यार, चल ही नहीं रहा, चल के ही नहीं दे रहा। चलो, एक रीनेम की कमेंट में और बना रहा हूँ, और एक रीनेम की कमेंट बना के इसको मैं पुश कर देता हूँ। मुझे लग रहा है शायद मुझे VS कोड को रीस्टार्ट करना होगा।
वीएस कोड जो ना मेरा अटक गया। सही है, वीएस कोड दोबारा क्रैश हो गया। वाई वेल पुश नहीं हो रहा, खैर हो गई, कमिट हो चुका है तो वो पुश भी कभी ना कभी हो ही जाएगा। अच्छा जी, आज की क्लास में हमने पढ़ना था फाइल अपलोड, राइट। फाइल अपलोड के लिए ऑब्वियसली इसी की मैं कॉपी बना लेता हूँ, क्योंकि हमने क्या करना है, ट्वीट जो क्रिएट होती है हमने उसी ट्वीट के अंदर फ़ोटो डाल के अपलोड करनी है इस बार, राइट। अच्छा तो इसकी मैं फिर कॉपी बना लेता हूँ आज के कोड के लिए, और इसमें मैं कहता हूँ कि यार 13 हाँ नहीं ये तो दूर से दिखेगा ना इसलिए तो यहाँ आके बैठ जाओ। अच्छा एक मिनट, अभी अभी इसका कुछ कर तो लें। ओ मैन ये क्या कर दिया मैंने, ट्वीट विथ फोटो, सही है जी। ट्वीट विथ फोटो ये एक इसकी जो है आज के कोड के लिए हमने कॉपी बना ली इसकी। यार मुझे लग रहा है कि गिट का जो प्रोसेस है ना वो अटक गया है। गिट को जो क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से आके ख़त्म करना पड़ेगा। ये गिट इतने सारे चल गए हैं पीछे, देख रहे हो, बस ये भी लेवल ही है फिर हमारा। इन सारे गिट को मैं बोलूँगा भाई क्विट हो जाओ, और फिर मैं यहाँ से आगे बोलूँगा कि चलो बेटा आप पुश हो जाओ, पुश, ठीक है, फ़ौरन पुश हो गया। तो इससे हमें पता क्या चला कि हमारा गिट स्टक हो गया था एक्चुअली। डॉट मॉड्यूल क्यों जाएगा, 286 उसके बगैर है, हम अभी देख लेते हैं ना आगे। चलो इसको इसको पुश कर लेते हैं, और हम वापस से स्मार्ट गेट खोलेंगे ना अभी, तो हमें दिख जाएगा कि कौन से कमिट में कितनी फाइल गई हुई है। असल में वीएस कोड ना उसको दिखा रहा होता है पार्स करके ना, क्योंकि गिट तो CLI टूल है एक्चुअली, GUI तो नहीं है, बट ये उसको ना पार्स करके दिखा रहा होता है उसके मैसेज को जो भी उसने किया हुआ होता है। ये एक और GUI टूल है जिससे मैं पुराने कमिट हुए हुए भी देख सकता हूँ। अब देखो जो मैंने कॉपी ऑफ प्रीवियस फोल्डर करके किया है ना अभी कमिट, जब उस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये मुझे बताएगा कि इसमें कितनी फाइल्स गई हैं। ये देख रहे हो, ये तमाम फाइल्स कॉपी बन रही है ना इसकी। ये कौन सी, वो PWA के अंदर जो इतनी सारी बनी हुई है ना फाइल। अच्छा बिल्ड का फोल्डर भी इसमें इन्वॉल्व है, शायद इसमें बिल्ड का फोल्डर भी गया होगा। ये देख रहे हो, ये असल में इमेजेस ही हैं इतनी सारी। हाँ बिल्ड के, ये आइटम बिल्ड के फोल्डर में होता है, सही है। तो इस वजह से ये इतनी सारी फाइलें शो कर रहा था। ओके इसको मैं स्मार्ट ग्रिड को बंद कर देता हूँ। अच्छा जी, और हमारे पास ये एक्टिविटी मॉनिटर को भी बंद कर देता हूँ। अच्छा जी, तो अब मैं इसके अंदर क्या करने लगा हूँ, इसको चला लेते हैं पहले तो, ताकि लास्ट जो भी हमने कोड किया हुआ था वो स्क्रीन पे दिख जाए मुझे।
अच्छा जी, वही ऐप है हमारे पास जो लास्ट टाइम बना रहे थे, इसमें कंसोल में कोई एरर है? ओके, जो पेज लोड होते ही प्रोफाइल को गेट करता है उसका एरर है। अच्छा, तो मैं लॉगिन करता हूँ इसमें, ये लॉगिन हो चुका है और अभी हमारी जो ट्वीट क्रिएट होती है होम से क्रिएट होती है ऑब्वियसली, वो उसमें सिर्फ मैं क्या दे सकता हूँ, एक अदर टेक्स्ट दे सकता हूँ। अच्छा, टेक्स्ट की एक फील्ड हो या दो फील्ड हो, यार लास्ट वाले तुम उठो गेट बन जाओ। अच्छा, टेक्स्ट की एक फील्ड दे रहा हूँ मैं, लास्ट हमने दो या तीन फील्ड देके भी देखी है, ड्रॉप डाउन वगैरह या रेडियो बटन एक्स वाई जेड, वो सारी चीज़ें अल्टीमेटली क्या होती है, जेसन ऑब्जेक्ट बन के जाती है सर्वर पे। लेकिन एक चीज़ ऐसी है हमारे पास, दैट इज़ कॉल्ड फाइल। जो बाइनरी फाइल्स होती हैं उसको भेजने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि बाइनरी फाइल जब भी हम सर्वर पे भेजेंगे तो वो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में करके उसको हम आमतौर पे नहीं भेज रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, भेज भी सकते हैं, आप लोगों ने शायद यू केम अक्रॉस बेस 64, तो बेस 64 में किसी फाइल को कन्वर्ट करके हम जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में डाल के भी भेज सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बेस 64 में जब हम किसी फाइल को कन्वर्ट करते हैं तो वो फाइल क्या बन जाती है, वो स्ट्रिंग बन जाती है। ये मैं ज़रा एक डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दूँ, फाइल टू बेस 64। ये ऑनलाइन टूल्स भी बहुत सारे हैं और वो जावास्क्रिप्ट के अंदर भी लाइब्रेरीज मौजूद हैं जो किसी भी फाइल को कन्वर्ट कर देती है बेस 64 में, राइट। तो यहाँ से मैंने एक फ़ाइल चूज़ करनी है और ये एक स्क्रीनशॉट है, इसको मैंने चूज़ किया और चूज़ करके मैं क्या बोलूँगा, इनकोड टू बेस 64। तो ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गई है ये फाइल, ओके, ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गई ये फाइल। तो मैं इसको कॉपी करूँगा और कॉपी करके मैं इसको कहीं पर भी भेज सकता हूँ एज अ टेक्स्ट, और जब मुझे ये एज अ टेक्स्ट वहाँ पर रिसीव होगा तो मैं इसको वापस, क्योंकि मुझे तो पता है ये बेस 64 है, तो मैं वापस इसको पार्स कर सकता हूँ ओरिजिनल फाइल में, ठीक है। इसका ये अपोजिट पार्सर भी है, अभी तो फाइल से बेस 64 हुआ है ना, अभी बेस 64 से भी फाइल भी होता है, बेस 64 टू फाइल, ठीक है। तो ये एक दूसरी वेबसाइट मैंने यहाँ पे खोली है, कह रहा है भाई यहाँ पे ना आप बेस 64 को क्या करो, पेस्ट करो, तो आपको क्या मिल जाएगा नीचे, डिकोड करने की सूरत में आपको एक्चुअली इसने इसको टेक्स्ट की तरह जो है ना वो करने की कोशिश की है, बेस 64 टू इमेज करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। कोड ब्यूटीफाई वालों ने बना के डाला था, यहाँ पे पेस्ट किया मैंने, वो नीचे देखो ओरिजिनल जो मेरा स्क्रीनशॉट था ना उसी में कन्वर्ट हो गया। वो रिफ्रेश किया मैंने, देख रहे हो इमेज प्रीव्यू लिखा हुआ है यहाँ पे, इस जगह पे वो एज अ इमेज बन के डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो ये एक्चुअली करता क्या है कि ये पूरे के पूरे जो टेक्स्ट को जो आपके जो बाइनरी फाइल होती है उसके एक एक बाइट को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि कोई भी बाइनरी, जैसे कि एक इमेज की अगर हम बात करें, तो एक इमेज अगर 3x3 की इमेज है, 300x300 पिक्सल की नहीं, 3x3 पिक्सल की एक इमेज है, तो टोटल उस इमेज में 9 पिक्सल है, हॉरिजॉन्टली 3 और वर्टिकली 3, तो टोटल 9 पिक्सल हुए ना उस इमेज में। तो 9 पिक्सल का मतलब है कि एक पिक्सल के अगेंस्ट तीन नंबर होते हैं, तीन डिजिट्स होते हैं, रेड ब्लू ग्रीन, हर एक के पीछे। तो 9x3 तो 27 टोटल उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं एक्चुअली, वो 3x3 की जो पिक्चर है मेरी, ठीक है। तो मैं अल्टीमेटली मैं ये कर सकता हूँ ना कि उन तमाम नंबर्स को मैं सीधा सीधा लिख दूँ एक सीक्वेंस में किसी एक ऐसे ख़ास तरीके से कि मैं वापस उसको पिक्चर की फॉर्म में ले जा सकूँ, तो समथिंग लाइक दैट। तो किसी भी बाइनरी फाइल को आप इस तरह कर सकते हैं, बेस 64 में कन्वर्ट कर सकते हैं और वापस उसको पार्स भी कर सकते हैं। अच्छा, अब उसका देखो डाउन साइड क्या है, ऐसा हम क्यों नहीं करते हैं? ये आप समझ लो, क्योंकि पहले तो हम इसकी ना काउंटिंग करते हैं कि कितने कैरेक्टर बनते हैं। कैरेक्टर काउंटिंग ऑनलाइन लिखा है मैंने ना, या मैं पेस्ट करूंगा तो ये मुझे कैरेक्टर गिन के बता देगा कि कितने कैरेक्टर हैं। तो मेरे पास काइंड ऑफ 182,000 कैरेक्टर बने, ठीक है, कितने बने ये 182,000, राइट।
182,000 कैरेक्टर कितने बाइट बने? एक कैरेक्टर 2 बाइट का होता है जावास्क्रिप्ट की अगर हम बात करें तो उसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2 से, तो टोटल एक्चुअली इतने बाइट बन गए ये। अगर मैं टेक्स्ट की फॉर्म में इसको भेजता हूँ ओवर द इंटरनेट, अगर मैं जेसन ऑब्जेक्ट में डाल के इसको भेजूंगा किसी भी जगह, तो इतने बाइट का डेटा ट्रांसफर होगा इस टेक्स्ट को भेजने के लिए। अब ये बाइट कितने वो बनते हैं, बाइट्स 2 KB, बड़े वाले केस है KB, राइट? तो ये एक्चुअली इतने बाइट जो बनते हैं ना वो 364 KB बनता है। कितना बनता है ये? 364 KB। अच्छा, अब हम ओरिजिनल इमेज का साइज़ देख लेते हैं चल के कि वो कितने साइज़ की थी वो इमेज। ये मेरे डाउनलोड्स के फोल्डर में ये जो है वो 137 KB की इमेज है। तो Base64 में कन्वर्ट करने से क्या हो गया, ये इमेज का साइज़ डबल हो गया, ठीक है? अच्छा, अभी ये कम डबल हुआ है, इससे और ज़्यादा डबल हो जाता है एक्चुअली, है ना? तो बहुत ज़्यादा साइज़ बढ़ जाता है इमेज का। अच्छा, तो ऐसे तो देखने में कुछ इतना फील नहीं हो रहा कि यार चलो 150 KB की जगह 300 KB चला जाएगा, सही है, 350 KB चला जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली अगर देखा जाए कि मेरे पास 1,000 यूज़र बेस है, मेरे पास 1,000 बंदों का, या मेरे प्लेटफॉर्म पे 1,000 यूज़र आते हैं डेली और वो डेली ट्वीट करेंगे अगर, तो जो मेरा जो बैंडविड्थ है, मिसाल के तौर पे जब यहाँ से मैं कोई चीज़ भेजता हूँ तो वो कहाँ जाती है? इंटरनेट से होते हुए जाती है ना सर्वर पे मेरे, तो जाहिर है इंटरनेट का जो बैंडविड्थ है, मेरे पास अगर 10 MBPS का कनेक्शन है, मेरे पास अगर 10 MBPS का कनेक्शन है, तो मेरे पास से जब कोई भी डेटा उठ के इंटरनेट पे जाएगा तो उसको एक सर्टेन टाइम लगेगा उसको जाने में, डिपेंडिंग ऑन कि मेरा बैंडविड्थ क्या है। अगर तो मेरे पास 100 MB का कनेक्शन है तो मेरे लिए रिगार्डलेस कि मेरे लिए 150 KB या 200 KB, डजेंट मैटर, मुझे ये मैटर नहीं करता। लेकिन अगर मेरे पास कनेक्शन 3G कनेक्शन है तो मेरे पास ये ट्वीट सेंड होने में ना टाइम ज़्यादा लगेगा, जो कि टाइम मैं बचा सकता था, लेकिन वो ज़्यादा लगेगा। बचा ऐसे सकता था कि मैं उस फाइल को बाइनरी फॉर्म में ही भेजता, तो मैं उससे क्या कर सकता था, उस टाइम को जो एक्स्ट्रा लग रहा है बचा सकता था। अच्छा, ये तो ट्वीट भेजने की बात आ गई। अब वंस वो पहुंच जाएगा वहाँ पे, तो डेटाबेस में इसको स्टोर में नहीं कर सकता। डेटाबेस में इसलिए स्टोर नहीं कर सकता इसको Base64 में, क्योंकि डेटाबेस में हम वो डेटा रखते हैं जो क्वेरी करने वाला डेटा होता है, ठीक है? डेटाबेस का जो स्टोरेज मीडियम है वो बहुत कॉस्टली होता है, इस वजह से मैं रख तो दूंगा इसको उधर, लेकिन उससे होगा ये मेरा डेटाबेस फ़ौरन फुल हो जाएगा और अल्टीमेटली मेरे लिए कॉस्टली पड़ जाएगा ये ऑप्शन। तो मुझे अल्टीमेटली सर्वर पे जाके उसको पार्स करना ही है, और करके बाइनरी फाइल को कहाँ रखता हूँ मैं, स्टोरेज बकेट में रखता हूँ, तो मैं वहाँ पे भेजूँगा इसको। अच्छा, अब अगर हम वापस लाने की बात करते हैं, तो मिसाल के तौर पे अगर मैं ट्वीट को लोड करता हूँ और 100 ट्वीट लोड होती है एक दफ़ा में, और 100 ट्वीट के साथ Base64 में इमेजेस लोड होती हैं, तो अगर 150 KB की इमेज थी 100 ट्वीट, तो कितने हो गए ये, कितने KB की इमेज हो गई? 150 KB की एक इमेज है, 100 ट्वीट है, तो 1,500 KB हो गए ये। 1,500 KB की जगह कितना होगा वो, 3,500 KB। तो एक ह्यूज डिफरेंस हो जाएगा, जब मेरे पास ज़्यादा डेटा लोड होगा ना एक साथ, और ज़्यादा इमेजेस एक साथ लोड होंगी, तो एक ह्यूज डिफरेंस उसको देखने को मिलेगा मुझे अगर मैं Base64 से ये काम करता हूँ तो, ठीक है? Base64 इज़ स्टिल एन ऑप्शन जहाँ पे बहुत ही माइनर सा कोई डेटा ट्रांसफ़र है, ये जहाँ पे कोई ख़ास रीज़न है जिसकी वजह से आप बाइंड्री में नहीं भेज सकते, इस तरह की रीज़न्स अगर कहीं पे है तो Base64 इज़ स्टिल एन ऑप्शन। लेकिन फ़ाइल भेजने के लिए मैं कोशिश क्या करूँगा कि मैं उसको बाइनरी फाइल के तौर पे ही भेजूँ। अब बाइनरी फाइल के तौर पे भेजने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे एक फ़ाइल इनपुट लगाना पड़ेगा, ठीक है? आ जाओ भाई, फ़ाइल इनपुट लगा लिया जाए यहाँ पे। ओके, SRC होम होम डॉट JSX, अच्छा ये गेट ऑल ट्वीट वगैरह ये सारे फंक्शंस हैं। मैं क्या करता हूँ, जाके यहाँ पे
अच्छा लास्ट गालबन इसी क्लास में ये हुआ था, या पता नहीं किसमें हुआ था, फॉर्मिक के साथ जो है ना फाइल, अब जो फाइल इनपुट है वो मसला कर रहा था कुछ, इसी क्लास में इसी सेक्शन में हुआ था ना ये, तो किसी ने वो रिसर्च किया था कि फॉर्मिक के साथ फाइल इनपुट कैसे चलेगा। अच्छा चलो खैर अभी करते हैं कुछ ना कुछ इसका। तो मैंने कहा कि भाई फॉर्म एक है मेरे पास जिसमें टेक्स्ट एरिया बना हुआ है, ठीक है, अगर वो नहीं चलेगा तो हम हटा देंगे फॉर्मिक को फिलहाल के लिए, हम वैसे ही चला लेंगे उसको अलग से। और यहाँ पे मैं एक लगा दूंगा इनपुट, और इसकी मैं टाइप लगा दूंगा कि फाइल इनपुट है, सही है। और इसको ज़रा हम देखते हैं कि अब ये स्क्रीन पे कैसा दिख रहा है, कुछ इस तरह का दिख रहा है। इसके साथ एक बीआर भी लगाना होगा मुझे, ठीक है जी। अब ये चूज़ फाइल इसमें लिखा हुआ है, तो बंदे को ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये बात क्या हो रही है, ये फाइल कौन सी फाइल चूज़ करने की बात हो रही है, ठीक है। तो मैं इसके साथ एक अदद लेबल लगाऊंगा, लेबल में क्या लिखूंगा मैं कि पिक्चर, इसकी आईडी लगाता हूँ पिक्चर में, और यहाँ पे भी एक आईडी लगा देता हूँ पिक्चर, सही हो गया जी। अच्छा और लेबल के अंदर मुझे लिखना होगा कि सही है पिक्चर फॉर योर ट्वीट, इसके साथ भी एक बीआर भी लगा देता हूँ। अच्छा ये बिल्कुल बेसिक काम कर रहे हैं हम एक्चुअली। आमतौर पे हमारे पास ना ऐसा देखने को नहीं मिलता है, आमतौर पे जो ट्विटर का जो इंटरफेस होता है उसमें ये होता है कि वहाँ पे फोटो का एक इंडिकेटर बना हुआ होता है जस्ट, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है वो कहानी शुरू ही फोटो से होती है। यानी आप जैसे ही करते हैं ना कि राइट अ ट्वीट, ट्विटर में तो खैर ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस में ये होता है वो कहानी शुरू ही फोटो से होती है। जैसे फेसबुक पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं ना वो कहता है पहले फ़ोटो सेलेक्ट कर लो, ठीक है। इसी तरीके से इस इंस्टाग्राम पे भी शायद वो पहले कहता है फ़ोटो सेलेक्ट करो कि कौन सी भेजनी है, ठीक है। तो लेकिन अल्टीमेटली ना उसके अंदर यही लगा होता है चूज़ फाइल। वो आमतौर पर करते क्या है कि इस चूज़ फाइल को CSS के ज़रिए हिडन कर देते हैं और इसकी जगह एक बड़ा सा बॉक्स लगा देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अंदर चल रहा यही होता है चूज़ फाइल। अब इसको कैसे हिडन करते हैं और कैसे हिडन करके इसकी जगह कुछ और लगाते हैं वो आप अलग से देख लीजिएगा, क्योंकि वो CSS का टॉपिक है, वो यहाँ वाला टॉपिक नहीं है। वैलिडेशन बिल्कुल लग सकता है, क्यों नहीं लग सकता। हाँ वैलिडेशन लग सकती है बिल्कुल यार। एक तो इसमें वैलिडेशन वो है ना एक्सेप्ट वाली, कि एक्सेप्ट क्या करता है ये, तो मैंने कहा एक्सेप्ट इमेज। तो अब जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो सिर्फ इमेजेस ही, एक मिनट, वो एक्सेप्ट वाला कैसे देते हैं, ये एक्सेप्ट का एट्रीब्यूट है ना, हाँ ऐसे करके देते हैं, इमेज स्लैश PNG, इमेज स्लैश JPG। तो मैं इसमें कह सकता हूँ इमेज स्लैश स्टैरिक, तो वो तमाम इमेजेस को उसमें पिक कर लेगा। देखते हैं अब काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है कर गया, ठीक है। देखो PNG को पकड़ रहा है, MP4 को और MOV को नहीं पकड़ रहा ये, ठीक है। तो ये अब एक्सेप्ट में क्या क्या लग सकता है, क्या क्या नहीं लगता, ये यहाँ पे इन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है इसमें से देख लेना। तो ये एक तो, बट ये स्टिल दिस वैलिडेशन इज़ जस्ट फॉर यूज़र एक्सपीरियंस, क्योंकि इसको मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से जाके ना चेंज कर सकता हूँ, मैं ऑल फाइल करूँगा सब सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज़ जस्ट फॉर यूज़र एक्सपीरियंस। अच्छा तो अब मैंने क्या करना है, इस फाइल को यहाँ से भेजना है सर्वर पे। अच्छा फाइल को ना सर्वर पे भेजने का जो बेहतर तरीका है वो ये है कि मैं उसको फॉर्म डेटा में करके भेजूँ। फॉर्म डेटा हम जो अभी तक रिक्वेस्ट सर्वर पे भेजते रहे हैं उसको हम कहते हैं कि एप्लीकेशन जेसन फॉर्मेट में ना, कि जेसन में डेटा जा रहा होता है। एक तरीका सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजने का है फॉर्म डेटा। अच्छा फॉर्म डेटा जो है उस वाले तरीके में हमें ये अलाउड होता है कि हम किसी भी फाइल को सीधा उठा के भेज दें सर्वर पे। अच्छा जब यहाँ से हम सर्वर पे भेजते हैं तो वो यहाँ से कैसे ट्रांसफ़र होती है, वो बाइट एरे में कन्वर्ट होके और फिर ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। बाइट एरे, अब वो होता है मैकेनिज्म बैकग्राउंड में आपको नहीं सामने नज़र आता, लेकिन वो मोस्ट प्रॉब्ली वो बाइट एरे बनता है
या उसी से सिमिलर कुछ चीज़ बनती है, उसमें ये होता है कि जो मिसाल के तौर पे 100 KB की अगर फाइल है ना, तो उसमें एक एक KB का एक एक एरे पूरा बन जाता है, और उसको वो ना एरे में से अब एक एक उठाता जाता है और वो भेजता जाता है सर्वर पे। सही है। और उसको पैकेट्स कह लो आप, मतलब 100 KB की इमेज को ना वो 100 पैकेट बना देता है उसके, और 100 पैकेट को एक एक करके यहाँ से भेजना शुरू करता है और सर्वर पर रिसीव होना शुरू हो जाता है। और जब आखिरी पैकेट भेजता है ना, उसके साथ वो लिख के भेजता है EOF, एंड ऑफ फाइल, तो सर्वर को पता चल जाता है अच्छा यार यहाँ तक ये फाइल कंप्लीट हो गई है। जब सारे पैकेट्स पहुँच जाते हैं सर्वर पे, तो सर्वर क्या करता है, उसको कंबाइन करके वापस एक फाइल में कन्वर्ट करता है, और हमें वो सीधी सीधी फाइल मिल जाती है, हमें सर्वर पे सीधी सीधी फाइल मिल जाती है। हमें ये सारा प्रोसेस लाइब्रेरी के लेवल पे हो जाता है, इसके लिए हम एक लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कहते हैं मल्टर। सही है, मल्टर मुश्किल सा नाम है ना। सही है, ये मल्टर है भाई, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और लाइब्रेरी है इसकी, बस बॉय करके, वो भी ठीक है, लेकिन एक्सप्रेस में ना लोग मल्टर ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया हुआ है, मल्टर के लिए एक मिडलवेयर बना के दिया हुआ है जो एक्सप्रेस में सीधा सीधा इस्तेमाल हो जाता है। अच्छा, इसका मैंने एक कोड लिख के भी रखा हुआ है अलग से, हाँ, नॉट जेएस करके फाइल अपलोड करके मेरी एक रिपोजिटरी होगी, ठीक है, अपलोड फाइल नॉट जेएस, ये एक रिपोजिटरी है जिसके अंदर मैंने ये सारा का सारा कोड लिख के रखा हुआ है। ये काइंड ऑफ मैंने अपने लिए बॉयलर प्लेट बनाया हुआ है, ताकि मुझे कभी ये काम करना पड़े तो मैं यहाँ से देख लूँ, क्योंकि ये वाला काम मोस्ट ऑफ द टाइम इतना ज़्यादा नहीं हो रहा होता, फाइल अपलोड बहुत कम जगहों पे हो रही होती है। मिसाल के तौर पर ट्विटर के केस में अगर आप देखें, तो एक जगह पे वो ट्वीट में आप फोटो अपलोड करते हैं, एक जगह प्रोफाइल पिक्चर चेंज करने में करते हैं, दैट्स इट, और तो कहीं पे भी नहीं होता, बाकी तो सारा टेक्स्ट बेस चल रहा होता है, ठीक है, जो क्वेरी वगैरह और ये सब चीज़ें सारी वो तो टेक्स्ट बेस होती हैं। तो अब इसके अंदर ना क्लाइंट में अगर मैं जाऊँ, तो इसमें दोनों क्लाइंट है मेरे पास ना, एक हमारे पास है वेब क्लाइंट, एक है नॉट जेएस क्लाइंट। तो हमारा जो क्लाइंट है इस वक्त वो वेबसाइट है, ठीक है, तो मैं वेब क्लाइंट में चला जाऊँगा, और यहाँ से मुझे क्या करना होता है, यहाँ से मुझे रिक्वेस्ट भेजते वक्त, ठीक है, मैं ऐसे करके फाइल इनपुट से उठाऊँगा, जो पूरा का पूरा फाइल इनपुट है, यानी गेट एलिमेंट बाई आईडी करके उठाऊँगा, और गेट एलिमेंट बाई आईडी करने के बाद क्या करूँगा मैं, डॉट फाइल्स करके और जीरो इंडेक्स करके उठाऊँगा, क्योंकि आपको पता है फाइल इनपुट में मल्टीपल फाइल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो जीरो का मतलब है कि जो पहली फाइल है, ठीक है, वैसे तो मल्टीपल फाइल के लिए मुझे लिखना पड़ता है कि मल्टी, सही ना। नहीं, ये तो अभी तो फिलहाल, अभी तो ये मैं वो दिखा रहा हूँ ना जो मैंने पहले से लिखा हुआ है वो, हाँ कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि रिएक्ट जो है वो आपको रोकता नहीं है, रिएक्ट इज़ नॉट अ फ्रेमवर्क, रिएक्ट इज़ अ लाइब्रेरी, तो जितना आपने रिएक्ट को यूज़ करना है उतना करें, रिएक्ट ने कभी मना नहीं किया कि आप यूज़ रेफ भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, यूज़ रेफ उन्होंने एक हुक बनाया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई गेट एलिमेंट बाई आईडी यूज़ कर रहा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सही है, वो भी सही है, मना नहीं किया उन्होंने, मतलब किसी जगह पे उन्होंने मना नहीं किया, यूज़ रेफ उन्होंने बिल्कुल हुक बना के दिया हुआ है, वो उसकी जगह आप यूज़ करते हैं, और आप कहते हैं कि भाई रेफ का नाम लिखते हैं, रेफरेंस का, और डॉट करंट करते हैं, तो आपको वो डेटा मिल जाता है, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले हम आते हैं और इसका डेटा पकड़ने की कोशिश करते हैं, और हम ये देखते हैं कि पहले तो ये फॉर्मिक के साथ ये काम कैसे करता है, अदरवाइज फॉर्मिक को हटा देंगे फिर हम। ठीक है जी। अच्छा, ये फॉर्मिक की जो इनिशियल वैल्यू थी, इसके साथ मैं एक लगा देता हूँ कि भाई फाइल, ठीक है, ये फाइल होगी मेरे पास एक अदद, और जस्ट लाइक दैट यहाँ पे वैल्यूज़ को मैं प्रिंट करवाता हूँ। अब फाइल को मैं सेलेक्ट करूँगा तो फाइल का डेटा प्रिंट हो जाना चाहिए स्क्रीन पे, ठीक है, अगर वो प्रिंट हो जाता है तो इट मीन्स के वो काम कर रहा है। हाँ, ऑन चेंज पे मुझे ये करना पड़ेगा, वैल्यू वैल्यू में मैंने कहा कि भाई फाइल है इसकी वैल्यू, और ऑन चेंज में हैंडल चेंज, और आई थिंक दैट्स इट।
ट्वीट टेक्स्ट, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि वो जब मैं फाइल को सेलेक्ट करता हूँ, मैं ये कुछ टेक्स्ट लिखा मैंने और मैंने साथ में एक फाइल सेलेक्ट की, तो अब उसको ये उसको पता चल रहा है, नहीं नहीं पता चल रहा है। अच्छा पता चल रहा है उसको, वो पिक्चर मुझे ला कर दे रहा है, लेकिन वो फेक पाथ एक टेक्स्ट के तौर पे ला के दे रहा है मुझे, वो मुझे एक टेक्स्ट के तौर पे ला के दे रहा है, बजाय इसके कि वो फाइल पूरी ला कर दे मुझे, वो एक टेक्स्ट उसको कन्वर्ट कर दे रहा है टेक्स्ट में। लास्ट टाइम भी यही हुआ था एक्चुअली। ऑन चेंज पे क्या है, सेट फील्ड वैल्यू फॉर्मेट डॉट सेट फील्ड वैल्यू ऐसे, और इसके अंदर इवेंट, नहीं भाई कैसे हो जाएगा, पहली बात तो ऑन चेंज पे मुझे एक इवेंट मिलता है ना, सही है, ऑन चेंज पे मुझे ये इवेंट मिलेगा एक्चुअली। ये इवेंट मिल गया मुझे। अब ये इवेंट के ऊपर तुम कह रहे हो कि सेट फील्ड वैल्यू करके मैं कुछ भी सेट करवा दूं यहाँ पर, नहीं इवेंट में मुझे फाइल तो मिल गई, फाइल तो यहाँ पे मुझे मिलेगी, इवेंट डॉट फाइल्स करके करूँगा मैं, और ऐसे करके मैं जीरो करके करूँगा तो वो तो मुझे, इसमें दो पैरामीटर्स देने होते हैं, पहला आपको वो नाम देना होता, अच्छा नाम देना होता है कि किस में रखना है, मैंने कहा फाइल में रखना है मुझे, वैल्यू नहीं, वैल्यू में तो फिर वही मुझे टेक्स्ट मिलेगा ना, जैसे गेट करते हैं सर वही चीज देनी होती है। अच्छा चलो वो करते हैं, इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स का इंडेक्स जीरो, ठीक है चलो, ये तुमने अच्छी बात बताई अगर तुमने, देखते हैं फिर क्या रिपोर्ट है इसकी। रिफ्रेश किया मैंने इसको, यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा, क्लियर करो इसको, और यहाँ से मैंने एक फ़ाइल सेलेक्ट की, ओ भाई ये तो फाइल सेलेक्ट करते ही ब्रेक हो गया, कह रहे हैं कि HTML एक्सेप्ट अ फाइल विच में ओनली प्रोग्रामेटिकली सेट, सीट फील्ड वैल्यू प्रॉपर्टी ऑफ HTML एलिमेंट दिस इनपुट एक्सेप्ट अ फाइल नेम वी प्रोग्रामेटिकली दिस दिस दिस। हाँ भाई क्या हुआ ये, डॉट करंट टारगेट, करंट टारगेट होता है, देख लो भाई ये तो तुमको मैंने कहा था कि रिसर्च कर लेना, नहीं भाई ये तो पकड़ नहीं रहा उसको, छोड़ो इसको ऐसे नहीं करते, ऐसे ही कर लेते हैं अलग से हम, गेट एलिमेंट बाई आईडी करके कर लेते हैं, सही हो गया, आईडी तो हमने दी भी है ना इसको पिक्चर को, तो जब बस ये ऑन सबमिट होगा तो हम आईडी से उठा लेंगे, दैट्स इट, सही है, यानी जब ये ऑन सबमिट चलेगा ना तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आईडी से उस फाइल को उठा लेंगे, तो मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इसको मैंने क्या नाम दिया हुआ, फाइल दिया हुआ है, पिक्चर दिया हुआ है आईडी, सही है, ये मैं इसमें से सब हटा देता हूँ जो फाइल मैंने एक्स्ट्रा लगाया ना यहाँ पे, ये मैंने गेट एलिमेंट बाय आईडी करके ना ये पिक्चर से ऐसे करके उठा लिया फिलहाल के लिए, क्योंकि आई डोंट वांट यू टू गेट कन्फ्यूज विद फॉर्मिक, फॉर्मिक की अपनी कन्फ्यूजन है वो अलग से देख लेना करके, तो ये पिक्चर के नाम से जो आईडी मैंने दी हुई थी इसकी जो भी वैल्यू होगी वो मैं उठा लूँगा। अच्छा इसके ऊपर अगर मैं रिक्वायर्ड लगा देता हूँ तो इस जब तक मैं पिक्चर सेलेक्ट नहीं करता वो सबमिट नहीं होगा, तो मुझे रिक्वायर्ड लगाने की ज़रूरत शायद इसमें नहीं है, क्योंकि अगर पिक्चर के बगैर भी हो तो सेंड हो जाना चाहिए एक्चुअली, ठीक है, तो पिक्चर जो है वो ऑप्शनल होगी, वो रिक्वायर्ड नहीं होगी, चाहे तो हम रिक्वायर्ड कर भी सकते हैं उसको, तो मैंने कहा पिक्चर डॉट, और कैसे डॉट करके उठाया आगे हमने, डॉट फाइल्स का इंडेक्स ज़ीरो, सही है ऐसे ही उठा लेते हैं ना जैसे ये लिखा हुआ है। स्टेट में उठाने की मुझे ज़रूरत इस वजह से नहीं है क्योंकि ये टेम्प्रोरी वेरिएबल है, ठीक है, स्टेट में उठाने की, स्टेट में मैं वो वाला रखता हूँ जो मुझे री रेंडर होने के बाद भी उसका डेटा मुझे चाहिए, उसको मैं रखता हूँ स्टेट में, क्योंकि ये वाला वेरिएबल जब री रेंडर होगा ना तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ये तो वेरिएबल टेम्प्रोरी है, मैंने जस्ट उठाना है और उठा के बस भेज के ख़त्म कर देना है, तो आगे क्या करना है वो फिर जब रिस्पॉन्स आएगा तो री रेंडर होगा ना, जब तक रिस्पॉन्स नहीं आ जाता तो मेरा जो कॉम्पोनेंट है वो री रेंडर थोड़ी होगा, तो इसलिए मुझे इस पे स्टेट की ज़रूरत नहीं है इस पॉइंट पर।
तो मैंने कहा भाई फाइल इनपुट जो है वो पिक्चर मैंने ऐसे उठा लिया, और फाइल का जो इंडेक्स ज़ीरो था मेरा उसको मैंने यहाँ पे कॉन्सोल करवा के देख लिया कि वो फाइल मुझे मिल रही है या नहीं मिल रही। ठीक है, तो ये काम इतना पहले करते हैं, देखते हैं कि वो मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा और यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल सेलेक्ट की और सबमिट का बटन दबाया तो मुझे ये फ़ाइल मिल गया। ठीक है, फाइल की पहचान की है, कैपिटल एफ़ से ये ऑब्जेक्ट होता है फाइल का, और जब इसको मैं ओपन करूँगा तो इसके अंदर ये लास्ट मॉडिफाइड वगैरह नेम वेम ये साइज़ इसका आ रहा है। ठीक है, अब ये साइज़ जो है ना ये बाइट में शो कर रहा होता है गालबन। तो जैसे मिसाल के तौर पे अब आप चाहते हैं कि यार 300 KB से ज़्यादा की फ़ाइल बंदा ना अपलोड करे, तो आप ऐसे डॉट करके साइज़ निकालेंगे और इफ़ लगा लेंगे कि यार इससे बड़ा ना हो। ठीक है, तो आप एरर वगैरह कोई भी डिस्प्ले करवाना चाहें उस केस में तो आप करवा सकते हैं। और नेम जो था वो एग्जैक्टली वही नेम आ गया इसमें। सॉरी, ये रहा ना नाम आ रहा है क्या मतलब समझा नहीं मैं तुम्हारा सवाल। नहीं है प्रीव्यू आ जाता है वो, दैट इज़ अनदर थिंग। अभी उस वो आगे की चीज़ है। हम ये बेसिकली अभी हमने आज की क्लास में बेसिकली क्या करना है कि फ़ाइल लेनी है यूज़र से और उसको भेजना है क्लाउड में, वो क्लाउड में जाके उधर सेव हो जाए, उसका URL मिल जाए हमें, उसके बाद हम फिर देखेंगे कि ये प्रीव्यू वगैरह कैसे करवाना है। अच्छा, वैसे मैं साइट में आपको बता देता हूँ कि जैसे ही आप फाइल को सेलेक्ट करते हैं ना तो उसको फ़ौरन क्या करते हैं आप उसका, क्योंकि पाथ आपको पता चल जाता है कि ये फ़ाइल कहाँ पर से उठाई गई है, तो उसका पाथ वहाँ पे रख के भी आप उससे उसको प्रीव्यू दिलवा सकते हैं। एक्चुअली ये होगा क्या है, IMG का एक टैग लगा हुआ नीचे जो कि हिडन होता है, जैसे ही आप फाइल सेलेक्ट करते हैं उस फाइल का पाथ गेट करके और उधर डिस्प्ले करवा देते हैं। ठीक है, या उस फाइल को Base64 में कन्वर्ट करके उसमें SRC में आप डाल देते हैं IMG के, तो वो आपको डेटा URL करके। ठीक है, डेटा URL असल में Base64 को ही कहते हैं, तो वो वैसे करके ना मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो ये फाइल इनपुट है ना इसके नीचे यहाँ पे एक IMG का वो बना हुआ होगा। ठीक है, और इसकी ID होगी मिसाल के तौर पे प्रीव्यू। तो इस प्रीव्यू में ना इसका सोर्स अभी खाली है और ये क्या होगा, हिडन होगा। ये जो IMG का पूरा एलिमेंट है ये हिडन होगा, तो इसको मैं प्रोग्रामेटिकली इसका SRC चेंज करूँगा और इसका हिडन हटाऊंगा प्रोग्रामेटिकली, तो मुझे शो होने लग जाएगा। जैसे ही सेलेक्ट करूंगा लगेगा पिक्चर सामने शो हो गई है, समझ लो इस तरह होता है। लेकिन अभी वो हम कर नहीं रहे, अभी हम पहले सर्वर पे डायरेक्ट भेजेंगे उसको। अच्छा जी, तो हमारे पास सबमिट होने पे ना ये फाइल हमने इस तरह पकड़ ली, फॉर्मिक के साथ ये काम हो सकता था लेकिन वो अभी मुझे भी नहीं पता कि कैसे होता है और तुम लोगों को भी नहीं पता, तो फॉर्मिक को करो साइड में फिलहाल। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, इस पॉइंट पर मैंने यहाँ पर आओ एक फॉर्म डेटा रिक्वेस्ट इनिशिएट करनी है। ये देख रहे हो, अच्छा यहाँ पे मैंने इस वाले में वो काम किया हुआ भी है, मैंने नोट कर रहे हो, URL इक्वल टू URL डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट URL और इसमें ये पूरी फाइल दी है मैंने, इस फाइल का मुझे URL बना के देता है और ये URL में मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई गेट एलिमेंट बाई ID IMG.innerHTML और ये देखो ये पूरा यहाँ पे ऐसे रखवाता हूँ, तो इससे प्रीव्यू डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल चलो ये काम भी कर ही लेते हैं ना फिर हाथ के हाथ, आ जाओ। ठीक है, मैंने कहा लेट URL के कोई भी एक URL होगा। अच्छा, बेहतर ये आई थिंक कि ये URL वाला काम मैं स्टेट के साथ करूं, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ प्लेन JavaScript ऐप कि भाई आप ऐसे करके innerHTML करेंगे तो वो उधर आ जाएगा। ठीक है, उधर वो इस तरह से नहीं आएगा, तो बेहतर ये है कि इसको मैं क्या करूँगा, स्टेट के साथ ये वाला काम करूँगा। तो गेट एलिमेंट बाई ID करके क्या है, IMG करके कोई है, सही है, IMG करके गालबन कोई डिव बनी हुई है, उसमें डॉट innerHTML करके ये पूरा रखवाया गया है, सही है। तो आ जाते हैं हम यहाँ पे एक डिव बना देते हैं, ये जो मैंने बनाया ना IMG का वो, उसको हटा के डिव बना देता हूँ मैं। ठीक है, और इसकी ID में रख देता हूँ IMG, सही है, IMG रख दी इसकी ID, तो इसके innerHTML में जो है ना वो बना हुआ आ जाएगा पूरा। रिफ्रेश करते हैं जी इसको, और अब मैं एक पिक्चर चूज़ करता हूँ यहाँ से। अच्छा, हुआ नहीं कुछ, लेकिन कुछ हुआ नहीं, IMG सही तो है ये, IMG डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID IMG.innerHTML दिस हाँ IMG एक डिव है ना नीचे,
डॉट इनर एचटीएमएल करके ये इमेज मैंने दी है उसको अंदर। ओ ओ यार यहाँ पे भी आईडी आईएमजी लगा हुआ, ये क्या सीन है। हाँ वैसे यही मैं भी सोच रहा हूँ, री रेंडर होने पे तो वो गायब हो जाएगा क्योंकि जैसे ही वो री रेंडर होगा, मगर मसला ये री रेंडर तो नहीं हो रहा, री रेंडर कहाँ हो रहा है। ओ यस मैंने सबमिट के ऊपर रखा भाई ये कोड, इस कोड को मुझे करना पड़ेगा शायद ऑन चेंज के ऊपर, है ना, ये वाला कोड मुझे ऑन चेंज पे लगाना पड़ेगा। तो खैर ऑन चेंज पे चलते हैं, कर लेते हैं ये काम हाथ के हाथ में। मैं इस इनपुट पे गया और मैंने कहा ऑन चेंज, सही है, और ऑन चेंज में मुझे एक इवेंट मिलेगा और इस इवेंट पे मैं क्या करूँगा, इस इवेंट में भी मुझे फाइल मिलेगी ऑब्वियसली। इवेंट की मुझे फाइल कैसे मिलती है, ई डॉट करंट टारगेट डॉट फाइल ज़ीरो, और इस फाइल ज़ीरो को मैंने कन्वर्ट कैसे किया था डेटा यूआरएल में, ऐसे कन्वर्ट किया था। ये URL बन गया, ये URL क्या हो गया कॉन्सोल पे आ गया। और फिर मैं क्या करूँगा, एक्चुअली बेहतर अब ये होगा कि मैं एक स्टेट बना लूँ, ठीक है, क्योंकि ताकि री रेंडर से भी कोई इशू ना हो, और स्टेट बना के ना उसमें इसका मैं बेस 64 रखवा दूँगा, ठीक है। स्टेट्स मेरी कहाँ पर हैं, सही है, प्रीव्यू नाम रख दिया मैंने इसका, नहीं ब्लॉब तो नहीं होता ये एक्चुअली, असल में अभी ब्लॉब और बाइट एरे और ये ना टर्मिनोलॉजीज हैं इंटरनली, ये सब एक ही होता है, लेकिन ब्लॉब में और बाइट एरे में और कैपिटल एफ से जो फाइल का ऑब्जेक्ट है इनमें डिफरेंस किया है, अभी ये एक अलग डिबेट है ना, मतलब एक अलग इसके लिए एक टॉपिक है ये बहस वाला, ठीक है जी। तो मैंने कहा भाई ऑन चेंज पे ना इसका अगर बन चुका है आपके पास प्रीव्यू, अगर बन चुका है तो आप सेट प्रीव्यू करके इसका ना ये यूआरएल इधर रखवा दो आप, सही है। तो जैसे ही ये यूआरएल यहाँ पहुँच जाएगा तो हम इसको कहीं पे डिस्प्ले करवा देंगे फिर, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एनी मोर। ओके रिफ्रेश किया मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा, कुछ फाइल सेलेक्ट की, जैसे ही फाइल सेलेक्ट की तो मुझे ये यूआरएल मिल गया, सही है। बट ये यूआरएल मुझे बहुत ही अजीब सा मिला है, चलो चला के देखते हैं। ये असल में ऐसा नहीं मिलना चाहिए था, मैंने एक्सपेक्ट किया था ये कुछ और मिलेगा ये, लेकिन खैर चलो अभी जो मिल रहा है उसी को देखते हैं क्या है ये। डिफ का क्लोजिंग टैग, हाँ भाई चल तो रहा है ये। अच्छा इसको मैं थोड़ा छोटा भी कर दूं, अब क्या होगा जैसे ही मैं इस फाइल को सेलेक्ट करूंगा ये नीचे प्रीव्यू बना के दे देगा मुझे। अच्छा ये क्योंकि इसमें बीआर नहीं लगा हुआ तो वो सेम लाइन में आ जा रहा है, सही है, बीआर लगा दिया मैंने इस पर। चूज़ फाइल, ये फाइल यहाँ पे प्रीव्यू बन के आ गई। अच्छा अब इस प्रीव्यू जो बना हुआ आ गया ना, अब इस बटन को कैसे हैंडल करना है, कैसे करना है, ये CSS वाला टॉपिक है, ये आप लोगों को पता है कैसे होगा, तो अभी इसमें ऑलरेडी हमारा टाइम ज़ाया हो चुका है, सही है। अच्छा अब अगला काम मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे आगे बनाना है फॉर्म डेटा, न्यू फॉर्म डेटा रिक्वेस्ट, सही है, और न्यू फॉर्म डेटा रिक्वेस्ट बनाने के बाद मुझे ज़ाहिर है जी ये सबमिट के अंदर अब ये काम हो रहा है बाकी का सारा ना, मैंने यहाँ पे न्यू फॉर्म डेटा बनाया है क्योंकि अब मैं सर्वर पे यहाँ से क्या भेजने लगा हूँ, फॉर्म डेटा की रिक्वेस्ट भेजूंगा मैं, जेसन की रिक्वेस्ट नहीं भेजूंगा, ठीक है। अच्छा अब फॉर्म डेटा को
इसको देखो गौर से देखो, फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, फॉर्म डेटा की जो रिक्वेस्ट होती है उसमें भी जेसन की तरह की और वैल्यू होती है, ठीक है। अच्छा, जेसन के अंदर क्या होता है कि की, मिसाल के तौर पर आपने लिखा नेम और उसके अगेंस्ट वैल्यू में आपने लिख दिया जॉन, ठीक है। उसके बाद आपने लिखा एज और उसके अगेंस्ट वैल्यू में आपने लिख दिया एक नंबर 30। तीसरे में आपने लिख दिया कि भाई इज़ एक्टिव और उसके अगेंस्ट लिख दिया आपने ट्रू, यानी कि एक बूलियन। इसमें लेकिन जो है ना की भी स्ट्रिंग होगी और जो वैल्यू है ना उसके अगेंस्ट वो या तो फाइल होगा या तो स्ट्रिंग होगा, कोई तीसरी चीज़ इसमें नहीं होती। दो ही इसमें फाइल, यानी जो टाइप्स है ना वो दो ही हैं इसके अंदर। तो या तो मैं फाइल भेजूंगा या तो मैं स्ट्रिंग भेजूंगा, सही है। तो ये आ गई माई फाइल, और ये जो फाइल जीरो था ना मेरा, वो मैंने इसके अंदर रखवा दिया। किसमें रखवा दिया? एक नया फॉर्म डेटा जो अभी अभी मैंने कंस्ट्रक्ट किया है। अच्छा, उसके बाद अगला काम मैंने क्या करना है, उसके बाद अगला मैं कोई भी वैल्यू इस तरह ना भिजवा सकता हूँ मैं, ठीक है। मैंने कहा भाई माई नेम मलिक, यानी हमारे केस में जो क्या है वो टेक्स्ट है और उसकी वैल्यू जो है अगेंस्ट उसकी क्या है वो भी एक स्ट्रिंग है ऑब्वियसली, तो ये मैंने ऐसे करके रखवा दी, ठीक है। इसके अंदर मैं बूलियन या नंबर ये चीज़ें नहीं भिजवा सकता, स्ट्रिंग भेज सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। अच्छा, स्ट्रिंग भेज सकता हूँ मैं, तो मेरे पास एक ऑप्शन और भी है कि मैं क्या करूँ, जेसन को स्ट्रिंगीफाई करके ऐसे रखवा दूँ। जेसन को स्ट्रिंगीफाई करना सब लोगों को पता है कैसे होता है, तो उसको स्ट्रिंग, अगर मेरा बहुत बड़ा जेसन है और मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि मैं हाथ से एक एक करके स्ट्रिंग करूँ और फिर वहाँ हैंडल करूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्ट्रिंगीफाई करके भेजूँगा और उधर जाके उसको पार्स कर लूँगा जेसन डॉट पार्स। तो दिस इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन, ठीक है। अब इसमें तमाम चीज़ों का ना यहाँ पे लिंक वगैरह लगा हुआ है, क्या चीज़ कहाँ से उठाई है, सबकी डिटेल, काफ़ी डिटेल कोड लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इस कोड को भी आप रीयूज़ कर सकते हैं, जो आज हम लिख रहे हैं वो भी आपको मिल जाएगा, दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, इस फॉर्म डेटा की रिक्वेस्ट को हम एक्सियोस के ज़रिए ही भेजेंगे, सही है। जैसे एक्सियोस से हम भेजते थे हम उसी तरह भेजेंगे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको कॉपी करके मैं क्या करता हूँ, ये फॉर्म डेटा जहाँ पे मैंने अपेंड जितना करना हो, अपेंड करने की कोई लिमिट नहीं है। जैसे मैंने अभी दो वैल्यू दिए ना, एक फाइल और एक टेक्स्ट, मैं 3, 4, 5, 10,000 भी रख दूँ तो उसको मसला नहीं है, वो अपना आराम आराम से भेज लेगा जब सबमिट होगा तो, ठीक है। तो जैसे ही वो सारे अपेंड कर लूँ मैं, तो उसके बाद मैंने क्या करना है, एक्सियोस से इस रिक्वेस्ट को भेज देना है। तो मैंने कहा मेथड पोस्ट है और यूआरएल जो है वो ऑब्वियसली, ये यूआरएल मेरा यहाँ लगा हुआ है नीचे, तो मैं यहाँ से उठा लूँगा यूआरएल। ये मेरा जो है जनाब यूआरएल है, और डेटा के साथ, डेटा के अंदर मैं असल में बॉडी भेजता हूँ, ठीक है। तो डेटा के साथ मैंने फॉर्म डेटा लगाया। अच्छा, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट फॉर्म डेटा की भेज रहा हूँ, तो मुझे इधर हेडर के अंदर ना ये बात मेंशन करना ज़रूरी है कि ये कौन सा डेटा है, ये मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा है। अगर ये मैं मेंशन नहीं करूँगा तो ये मसला करेगा, ठीक है। क्योंकि एक्सियोस बाय डिफ़ॉल्ट ये मान के चल रहा होता है कि आप जेसन रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट एक्सियोस ये मान के चल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, डॉट देन करके जो हमें रिस्पॉन्स मिलता था, बिल्कुल उसमें ऐसे ही रिस्पॉन्स मिलेगा। तो हमारा जो डॉट देन था उसका कोड हम यहाँ उठा लेते हैं टक करके, कट और पेस्ट, सही है। और हमारा कैच में तो कुछ भी नहीं है, बस एरर को हम कंसोल करते हैं, तो यही है बस। तो ये एक्सियोस अब ख़त्म हो गया हमारा। लाइन 106 में क्या हुआ, हाँ अब सेट है। अच्छा, दोबारा देखो क्या हुआ है, ऑन सबमिट पे मैंने फाइल को गेट एलिमेंट बाय आईडी करके उठाया और एक नया फॉर्म डेटा क्रिएट किया, उसमें वो फाइल रखवाई और साथ में वो एक टेक्स्ट वैल्यू भी रखवा दी, और उसके बाद एक्सियोस से उसको सर्वर की तरफ रवाना कर दिया। मैंने कहा रिस्पॉन्स आएगा तो आपने क्या करना है, जो भी हम पहले प्रोसीजर करते थे रिस्पॉन्स आने पे एग्जैक्टली वही अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब की बार हमने फाइल भी भेजी है साथ में। अच्छा, यहाँ पे हमारे फ्रंट एंड का जो काम था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमारे बैक एंड का काम शुरू होता है, तो मैं इतने कोड को मैं कमिट कर दूंगा। फ्रंट एंड कंप्लीटेड लिख दिया मैंने यहाँ, बोलो। ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन के लिए यूज होता है, क्लास बेस नहीं है भाई, क्लास बेस कहाँ से आ गया, कंस्ट्रक्टर नहीं, क्लास नहीं है इसके अंदर, ये क्लास से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। हाँ,
यार ये हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा तो है ये वाला कंस्ट्रक्टर फंक्शन। यार कैसी बात कर रहे हो, नहीं पढ़ा कंस्ट्रक्टर? पढ़ा है हमने, मुझे अच्छी तरह याद है। ये रहा ना, यही तो है कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ये रहा ना न्यू करके, उसको हम नया कोर्स बना रहे हैं। लास्ट टॉपिक पढ़ा था हमने ये जावास्क्रिप्ट में, जाके देख लेना वीडियो भाई अगर नहीं अभी तो मैं बता दूँ। तो ये फॉर्म डेटा जो है वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन। हाँ मैं तुम्हारा सवाल नहीं समझ रहा हूँ, किसी को समझ आया इनका सवाल? हाँ अच्छा, एक मिनट, फॉर्म डेटा डॉट क्या लिखूँ मैं? गेट नहीं, देखो ये तो एक बार मैं फॉर्म डेटा मैंने क्रिएट किया है ना, तो इस फॉर्म डेटा में मैं पुट कर रहा हूँ ये वैल्यूज़, तो जाहिर है जो वैल्यू मैंने पुट की है वापस मैं गेट भी कर सकता हूँ, बट वो गेट होके आएगी कहाँ से? देखो यहाँ पे वंस मैंने ये चीज़ डाल दी ना इसमें, और यह मैंने ये चीज़ डाल दी, अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो चीज़ मैंने डाली है फॉर्म डेटा में इसको मैं कंसोल कराऊँ, तो मैं कंसोल में ये बात लिख सकता हूँ कि भाई फॉर्म डेटा डॉट गेट और क्या लिखूंगा मैं साथ में इसके, मैं नाम लिख दूंगा इसका, टेक्स्ट लिख दूंगा, तो ये फॉर्म डेटा डॉट गेट करूंगा तो टेक्स्ट में शायद मुझे ये वही वाली चीज़ वापस दे दे। ये क्या देता है इस पर, एक मिनट हावर करूंगा ना, फॉर्म एंट्री वैल्यू देगा मुझे ये, तो यहाँ पे ना ये बात वो प्रिंट कर देगा जो भी टेक्स्ट इसमें मैंने अपेंड किया था, लेकिन अगर अपेंड करने से पहले मैं इस जगह पे अगर ये काम करूंगा तो मुझे ज़ाहिर अनडिफाइन देगा मुझे वो, मैं ये अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, सही समझाऊँ सवाल में? ई डॉट टारगेट, अच्छा पूरा नहीं आया ये तो पहली बात, और दूसरा ये कि जो है ना डेटा डॉट गेट दिस दिस दिस, नहीं ये असल में क्या किया हुआ इसने वो मैं समझ गया हूँ, वो असल में ये कह रहा ही है कि ये सही कह रहा है, फॉर्म से ना वैल्यू उठाने का ये भी एक तरीका होता है, फॉर्म से वैल्यू उठाने का तरीका ये होता है कि हम जैसे ये फॉर्म है ना ये वाला, इसको पूरे फॉर्म को उठाते हैं और इसको फॉर्म डेटा में कन्वर्ट कर देते हैं, यही कह रहे हो ना तुम, और फिर मुझे इन दो टैक्स एरिया में से अलग अलग नहीं उठाना पड़ता, फिर उस फॉर्म डेटा में ना मैं नेम के थ्रू गेट करता हूँ, मैंने इनको नेम नहीं दिया हुआ, ठीक है, नेम दिया हुआ होता तो उसके ज़रिए मैं गेट करता, तो ये सही कह रहा है, ऐसे भी हो जाता है, बजाय इसके कि मैं गेट एलिमेंट बाय आईडी करके एक एक करके उठाऊँ चार वैल्यू, मैं फॉर्म को आईडी देता हूँ और फॉर्म उठा के डॉट नेम करके मुझे वैल्यू मिल जाती है। हाँ सही कह रहे हो, ऐसे भी हो जाता है। वेल मेरा क्योंकि एक एग्जिस्टिंग फॉर्मिक चल रहा था, मैंने जस्ट एक वैल्यू अलग से उठानी थी सादा, तो क्योंकि एक ही लाइन है तो भले मैं गेट एलिमेंट लिख दूँ या फॉर्म लिख दूँ, मेरा ख्याल है कोड की जो मेरी लंबाई होगी वो उतनी होगी। अच्छा जी, तो अभी मैं जब रिक्वेस्ट करूँगा तो ये रिक्वेस्ट ऑब्वियसली फ़ेल हो जाएगी, फ़ेल इसलिए हो जाएगी क्योंकि बैकएंड पे ना यानी कि सर्वर पे इसको मैंने हैंडल नहीं किया हुआ है। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ और कुछ यहाँ पे से एक फ़ाइल सेलेक्ट करता हूँ और मैं नेटवर्क में जाता हूँ, नेटवर्क भी मैंने क्लियर कर दिया और वो भी क्लियर कर दिया। अब मैं सबमिट का बटन प्रेस करता हूँ तो ये ना 400 लिखकर मुझे दे देगा। 400 लिखकर इसने क्यों दिया है मुझे कि इस राउट पे /API/V1/tweet पे पोस्ट की रिक्वेस्ट जब मैं करता हूँ तो मैंने बैकएंड पे ये एज्यूम किया हुआ है कि इस पे कौन सी रिक्वेस्ट आएगी, जेसन की रिक्वेस्ट आएगी, सही है। तो अब जेसन की रिक्वेस्ट तो वो थी नहीं तो वो पार्स नहीं हुई,
अगर जेसन की रिक्वेस्ट होती तो पार्स हो जाती, जेसन की नहीं थी तो पार्स नहीं हुई। मतलब जो एक्सप्रेस डॉट जेसन जो पार्सर लगा हुआ है ना ऊपर, उसने उसको स्किप कर दिया, उसने बोला भाई ये जेसन रिक्वेस्ट नहीं, इसको आगे जाने दो। नतीजा तन कि ये हुआ कि जब वो उस राउट तक वो रिक्वेस्ट पहुंची तो बॉडी डॉट टेक्स्ट उसमें था ही नहीं। ठीक है, हमने सर्वर पे यही लगाया हुआ था ना कि बॉडी डॉट टेक्स्ट को वैलिडेट करो, आ जाओ सर्वर पे। ये है ना हमारी ट्वीट की एपीआई, ठीक है, पोस्ट और स्लैश ट्वीट, यही है ना। अब जब यहाँ पे वो रिक्वेस्ट पहुंची है ना तो बॉडी डॉट टेक्स्ट था ही नहीं, तो बॉडी डॉट टेक्स्ट क्योंकि नहीं था तो उसका नतीजा क्या हुआ, ये इफ नहीं चल पड़ा और यहाँ से उसने बोला कि भाई रिक्वायर्ड पैरामीटर्स मिसिंग। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं प्रीव्यू में जाऊँ तो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स मिसिंग। ठीक है, जो हमारा एक्स पार्सर जो लगा हुआ है वो कहाँ लगा हुआ है, जहाँ पे हमारा सर्वर शुरू होता है ना वहीं पे ये पार्सर लगा हुआ है, जो मेरे क्या करता है, ये मेरे जेसन की बॉडी पार्स कर देता है। जेसन के अलावा कोई और होगा उसको ये छेड़ेगा नहीं, उसको ये आगे कर देगा, बोलेगा भाई ये मेरा काम नहीं है। ठीक है, क्योंकि पार्स नहीं हुआ तो बॉडी का ऑब्जेक्ट बना ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, बॉडी का ऑब्जेक्ट उसमें होगा ही नहीं क्योंकि वो पार्स ही नहीं हुआ कुछ। अच्छा, तो वेल, अब मेरा अगला काम क्या है, यहाँ फ्रंट एंड का काम तो इतना ही था, ये कंप्लीट हो गया मेरा। अब मैंने जाना है मेरे सर्वर पे। ठीक है, अच्छा, सर्वर पे मुझे सबसे पहले क्या करना है, सर्वर पे मुझे सबसे पहले मल्टर को इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो आ जाते हैं मेरे सर्वर पे, मल्टर को इंस्टॉल करते हैं। सर्वर को रोका मैंने, npm i मल्टर, और सर्वर को मैंने रीरन कर दिया दोबारा से। अच्छा, और मैं क्या करूँगा, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, इस मल्टर की जो कॉन्फ़िगरेशन है ये मैं कर लूँगा। अच्छा, मल्टर की मैं कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे करूँगा, बिल्कुल टॉप पे करूँगा जहाँ पे मैंने मल्टर को रिक्वायर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैंने कहा कि इम्पोर्ट मल्टर फ्रॉम, हाँ नहीं तो उससे उसका लेना देना भी नहीं है ना, और ये मैंने मल्टर की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सेट करवा दी। ठीक है, अब देखो गौर से इस चीज़ को समझो कि ये मल्टर की कॉन्फ़िगरेशन में ना हो क्या रहा है। अच्छा, ये क्या कर रहा है, मल्टर इसको मिला ही नहीं, एक मिनट यार, सही है ना, नींद नहीं आएगी तुम लोगों को लाइट से। अच्छा यार, ये मल्टर का क्या सीन है भाई, इसको ये मिल क्यों नहीं रहा। अच्छा, हम एक काम कर सकते हैं कि मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है ना, तो हम डायरेक्ट डॉट डिस्क स्टोरेज यहाँ पे से उठा लेते हैं। अरे नहीं भाई, यहाँ मल्टर डायरेक्ट भी तो चल रहा है, मल्टर इसको क्यों नहीं मिल रहा भाई, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर फ्रॉम, सही तो लिखा है, और ये उसको मैंने सिंगल कोट में नहीं लिखा। हाँ यार, माई बैड। ठीक है जी, अच्छा तो अब इसको देखो गौर से देखो, मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज, ये कमेंट लगा हुआ है इसको हटा दो, कमेंट देखना हो तो ओरिजिनल रिपोजिटरी में चले जाना। अच्छा, मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज, अच्छा मल्टर का काम क्या होता है कि जब भी कोई फाइल आती है तो वो उसको क्या करता है, एक फोल्डर बनाता है आपके प्रोजेक्ट के अंदर, उसमें सेव कर देता है आगे फाइल को। तो मैं उसको ये बता रहा हूँ कि वो सेव कैसे करना है और कहाँ पे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इस कॉन्फ़िगरेशन में बताया डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन होना चाहिए डॉट स्लैश अपलोड्स और स्लैश, कि मैंने कहा अपलोड्स के नाम से एक फोल्डर बनाओगे आप, उसके अंदर इसको स्टोर करना। ठीक है, लास्ट में स्लैश जो लगाया मैंने, इसका मतलब है कि इसके अंदर आप करोगे जो भी करना है। अच्छा, फाइल का नेम क्या होगा, जो स्टोर होगी फाइल उसका नेम क्या होगा। अच्छा, इसकी करने की ज़रूरत इस वजह से पड़ी है क्योंकि जो फ्रंट एंड से नाम मिलता है ना, एग्जैक्ट वही नेम यहाँ पहुँच जाता है। अब वो एक ही ना, प्रोफाइल डॉट जे पी जी करके तीन चार बंदों ने एक साथ की तो वो एक दूसरे का रिप्लेस मार देगा। वो भाई पहले से एक स्टोर हुई हुई है फाइल, उसी नाम की कोई दूसरी फाइल आगे स्टोर होगी तो क्या होगा, बोलेगा भाई पुराने वाले को रिप्लेस करो, या वो कोड फट जाएगा या कुछ ना कुछ होगा।
तो मुझे यहाँ पे एक ऐसी सेटिंग करनी है कि हर फाइल जो है ना उसका नाम यूनिक हो जाए ऑटोमेटिक, और इसका बहुत आसान सा तरीका है, मैं टाइम को उसके साथ कॉन्कैटिनेट करवा रहा हूँ, सही है, दैट्स इट, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है। अब यहाँ पे एक फाइल का नेम जो एक फंक्शन है, ठीक है, इस फंक्शन में रिक्वेस्ट मिलती है पूरी, फाइल का सारा ऑब्जेक्ट मिलता है और एक कॉल बैक मिलता है। इस कॉल बैक को ना मैंने फाइल के नाम के साथ जो है वो करवाना होता है, यानी फाइल के नाम के साथ मैंने कॉल करना होता है। तो मैं यहाँ देखो कॉल बैक कॉल करता हूँ, पहली वैल्यू है नल और दूसरी वैल्यू में इसको फाइल का नाम चाहिए होता है। मैंने कहा भाई न्यू डेट और गेट टाइम, अभी वाला जो टाइम हो रहा है वो लगाओ डैश, और उसके बाद फाइल का जो ओरिजिनल नेम था वो लगा दो, यानी प्रोफाइल डॉट जे पी जी या एक्स वाई जेड जो भी नाम था उसका वो लगा दो, ठीक है। तो ये एक बॉयलर प्लेट है, इसी तरह यूज़ होगा। अगर आपको इसके फाइल के नाम में कोई और भी चेंजेस करनी है कि यार फाइल का नाम सारा स्मॉल हो जाए, तो आप इसको डॉट लोअर केस कर देंगे, तो ये इसी में ही घूमेगी सारी कहानी, ठीक है। तो मल्टर जो है उसकी डॉक्यूमेंटेशन में दिखा देता हूँ आपको, वहाँ पे इन्होंने पूरा एक नक्शा खींचा हुआ है कि भाई ये कैसे होता है फाइल का नेम का हिसाब किताब। अगर आप मज़ीद पढ़ना चाहें इसको तो वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये इन्होंने ना यहाँ पे सेम चीज़ करना बताई है, मल्टर डेस्टिनेशन बताया इन्होंने और फाइल नेम यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, वो कहीं नीचे कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो डेस्टिनेशन और फाइल नेम दोनों की एग्जांपल करके बताई है इन्होंने कि कैसे होगा, सही है, और यहीं से देख के किया है मैंने, कहीं अलग से नहीं कर रहा हूँ, इसी में से ही जो कुछ है सब इसी डॉक्यूमेंटेशन में से देखा था, ठीक हो गया। तो उसके बाद मैंने क्या कर देना है, देखो ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन बना ली है, ये मैंने क्या बना ली है, कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन बनाने तक अभी तक कुछ हुआ नहीं है, उसके बाद मैंने क्या बनाया, एक बनाया मल्टर का मिडलवेयर बनाया, एक मैंने मल्टर का मैंने क्या बना लिया, एक मिडलवेयर, और मिडलवेयर में ये कॉन्फ़िगरेशन बना के ना ये मेरी मिडलवेयर तैयार हो गया, ठीक है। इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ अपलोड मिडलवेयर, ठीक है, ये अपलोड मिडलवेयर है। मिडलवेयर फंक्शन आप सब लोगों को पता है किस चीज़ को कहते हैं, ठीक है, मिडलवेयर फंक्शन वो होता है जो ये इसमें चलता है, ये देख रहे हो कि भाई स्लैश एपीआई स्लैश v1 है, इधर जो चीज़ होती है ना वो मिडलवेयर फंक्शन होता है, जैसे ना ऐप डॉट यूज स्लैश एपीआई स्लैश v1, और ये जो इतना पूरा फंक्शन है ये यहाँ से जो शुरू है ये फंक्शन, और ये लाइन नंबर 83 तक ये ख़त्म है, तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड मिडलवेयर फंक्शन, ठीक है। तो ये मेरा क्या तैयार हुआ है, एक मिडलवेयर फंक्शन तैयार हुआ है। अब इस मिडलवेयर फंक्शन को लगाना क्या है वो आगे देखते हैं कैसे, ठीक है, आ जाओ भाई आगे। अब जिस एपीआई के अंदर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे फाइल का इनपुट मिलेगा, मैं उस एपीआई में आके क्या करूँगा, अपलोड डॉट एनी कर दूंगा ऐसे करके, ठीक है। आप नोट करो इसके अंदर मैंने दो मिडलवेयर फंक्शन पास किए हैं, सही है, दो मिडलवेयर फंक्शन मैंने इसके अंदर पास किए हैं। अच्छा, इसको मैं एक तरीके से और भी इस्तेमाल कर सकता हूँ कि मैं यहीं पे लगा दूँ, मैं कहूँ यार ऐप डॉट यूज़ और क्या था मेरा अपलोड मिडलवेयर डॉट एनी, सही है, ऐसे भी करके लगा सकता हूँ मैं, लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, हर रिक्वेस्ट इससे गुजर के आएगी, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर वो रिक्वेस्ट फॉर्म डेटा की नहीं हुई तो वो कोड ब्रेक कर सकता है, ठीक है। चलो ऐसे करके लगा के देखते हैं क्या होता है। अगर तो ये सही चलता है ना, तो इससे क्या होना चाहिए, मेरे इस सर्वर के फोल्डर में, ये मेरा सर्वर का फोल्डर है ना, इसमें एक अपलोड्स, अच्छा ये बन गया ऑलरेडी, अपलोड्स का जो फोल्डर है ना यहाँ पे वो आके सेव हो जानी चाहिए, अगर ये सही चल रहा है तो, ठीक है, अगर ऐसे करने से ये सही चलता है तो, क्योंकि ये जस्ट एक मिडलवेयर है, जस्ट लाइक बॉडी पार्सर, जस्ट लाइक कुकी पार्सर, कि हर रिक्वेस्ट इसमें से गुजर के आएगी, और गुजर के आने के बाद अगर उस रिक्वेस्ट के अंदर कोई फाइल हुई तो वो फाइल इधर सेव हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। आगे चलते हैं, ट्राई करते हैं, वैसे इस तरह होता नहीं है ये, इसको हम क्या करते हैं हर रिक्वेस्ट के अंदर लगाते हैं जिधर एग्जैक्टली ये यूज़ होने वाली होती है। मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा और मैंने यहाँ पे से एक फ़ाइल सेलेक्ट की और मैंने यहाँ से इसको सबमिट कर दिया, ठीक हो गया। हाँ यार आ गई, पहुँच गई फाइल यहाँ पर, ठीक है, ये देख रहे हो अपलोड्स के अंदर ये फाइल पहुंच गई है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे या यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, नहीं लगाऊँगा। मेरी कोशिश ये होगी
कि मैं इसको उस रिक्वेस्ट के साथ लगाऊं जिस रिक्वेस्ट में मैं फाइल एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तमाम रिक्वेस्ट के साथ इसको मैं ना लगाऊं। अच्छा, तो ऐसा करने के लिए फिर ये पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन मुझे यहाँ पे नहीं करनी होगी फिर, ऐसा ही है ना? फिर ये पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे तो नहीं होगी, या अगर यहाँ करता हूँ मैं तो यहाँ से मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं यहाँ पे करूँ ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, तो इस पूरे को उठा के मैं कहाँ ले जाता हूँ, जहाँ पे एक्चुअली ये सारा का सारा काम होने जा रहा है। ठीक है, और वो जगह कौन सी वाली है, वो जगह है मेरी API/Tweet, मैं यहाँ पे ले जाके करूँगा ये काम सारा। मल्टर को इम्पोर्ट भी यहीं करूँगा, कन्फिग्रेशन भी यहीं पे बनाऊँगा, और मिडलवेयर भी। अब डिपेंडिंग ऑन, जैसे मेरे पास अभी इसी API में इस्तेमाल होने वाला है, अब इमेजिन करेंगे आपके पास कोई 20-25 API ऐसी है जहाँ पर ये इस्तेमाल होता है, तो आप फिर क्या करेंगे, इसको एक बिल्कुल अलग फाइल में बनाएंगे, जैसे हमने डेटाबेस के वो बनाए थे मॉडल्स, और उस इसको एक्सपोर्ट करा के आप जहाँ मर्जी यूज़ करते रहे, तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो मेरे केस में शायद यहाँ पे बनाना बेहतर है इसको, और ये जो ऐप डॉट यूज़ करके लगाया हुआ, फिर मैं ऐसे नहीं लगाऊंगा इसको, मैं इसको लगाऊंगा। ठीक है, ये पोस्ट की जो रिक्वेस्ट है ना, यहाँ लगाऊंगा मैं इसको कॉमा। अच्छा, अब ये एक चीज़ बहुत गौर से समझ लो कि ये अगर मैं एक फंक्शन और ये दो फंक्शन देता हूँ, तो ये बिहेव कैसे करता है, इंटरनली होता क्या है। ये वाला फंक्शन जो है ना, ये भी एक फंक्शन मैं पास कर रहा हूँ इसको, इसके अंदर ये भी फंक्शन जो इसको मिल रहा है, जाहिर है एक फंक्शन कॉल है, इससे फंक्शन रिटर्न हो रहा है। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट मिलता है हर फंक्शन में, हर मिडलवेयर फंक्शन में। तो ये पहला फंक्शन जब नेक्स्ट कॉल करेगा ना, तो ये ऑटोमेटिक अगले वाले में आ जाएगा। हमने नेक्स्ट कॉल करके देखा इससे पहले, जहाँ पे हमने बैरियर, अबे क्यों नहीं देखा भाई, इसमें देखा है हमने, ये वाले में। हाँ, यहाँ पे देखो क्या होता है, ये मैंने एक बैरियर लगाया हुआ है बीच में, कि अगर ये बैरियर क्या होता है, यहाँ पे JWT को मैं वेरीफाई करता हूँ ना, तो अगर ये वेरीफाई सक्सेसफुल हो जाता है, तो मैं नेक्स्ट कॉल करता हूँ मैं। तो नेक्स्ट कॉल करने से क्या होता था, यहाँ पे ये इस मिडलवेयर से निकल के अगले आगे की तरफ रवाना हो जाता था, कि भाई आगे कुछ किसी से मैच होगा तो उधर टकरा जाएगा, समझ रहे हो? मिसाल के तौर पर /Tweet अगर रिक्वेस्ट आई है, तो वो यहाँ से पास हो जाएगी नेक्स्ट कॉल करते ही। लेकिन इसमें एक मिडलवेयर फंक्शन है, तो इसलिए वो फ़ौरन उस मिडलवेयर से आगे बढ़ जा रही है। अगर दो मिडलवेयर फंक्शन होगा, तो पहले से नेक्स्ट कॉल को होगा तो दूसरे फंक्शन में जाएगा, और दूसरे से नेक्स्ट कॉल होगा तो फिर आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो मेरे केस में मैं क्या करूँगा, ये मेरा पहला फंक्शन है, रिक्वेस्ट पहले इसमें दाखिल होगी, फाइल को निकालेगी, फोल्डर में सेव करेगी, और फोल्डर में सेव करने के बाद नेक्स्ट कॉल करेगी। जब ये वाला फंक्शन से नेक्स्ट कॉल होगा, तो इस फंक्शन में ये गिरेगा आके, और इस फंक्शन से मैं नेक्स्ट कॉल नहीं कर रहा हूं, इस फंक्शन से मैं डायरेक्ट रिस्पॉन्स भेजता हूं, या तो एरर या तो सक्सेस। इसमें मेरे पास 3 या 4 या 5 फंक्शन भी हो सकते थे। ठीक है, समझ आ रही है ये वाली बात? अच्छा, JWT को भी मैं इस तरह करके यूज कर सकता हूं। ठीक है, जो JWT का मैंने बैरियर लगाया ना यहां पर, ये जो मैंने बैरियर लगाया यहाँ से होके गुजरता है, मैं ये भी कर सकता था कि इतने फंक्शन को ना मैं बना के साइड पे इकट्ठा कर लूँ कहीं, और हर जगह मैं API से पहले लगाना शुरू कर दूँ, लेकिन वो काम असल में लंबा हो जाता है, तो ये शायद बेहतर तरीका है। लेकिन हमें कुछ जगहों पे ज़रूरत पड़ती है कि इस फंक्शन को हम क्या कर लें, इससे अलहदा कर लें, और अलहदा करके हम क्या करें, जिस रिक्वेस्ट पर भी हिट होना है ना, उस रिक्वेस्ट पर हम लगाएँ कि यार इसको आगे बढ़ने देना या नहीं बढ़ने देना। ठीक है, मल्टी रोल में खास तौर पे हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, मल्टी रोल तो हमने किया नहीं है, खैर मल्टी रोल लॉगिन भी हमने करना था शायद, वो हमने किया नहीं, लेकिन खैर यू नो कि वो कैसे होगा, बेसिक आइडिया मैंने बता दिया था आपको कि मल्टी रोल लॉगिन कैसे होगा। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब ये ट्वीट पे जैसे ही हिट होगा ना आके, ये ट्वीट की रिक्वेस्ट जैसे ही हिट होगी, तो ये मिडलवेयर क्या करेगा, फाइल निकालेगा और फाइल को फोल्डर में ले जाके सेव करके छोड़ देगा उधर। अच्छा, ना सिर्फ ये फाइल को सेव कर देगा उधर फोल्डर में, बल्कि मुझे request.files हमने पहले नहीं देखा, request.file होता ही नहीं है बाई डिफ़ॉल्ट, वो ये बनाता है, जैसे जेसन की जो बॉडी होती है ना, ऊपर पार्सर लगा हुआ होता है, तो request.body कुछ भी नहीं होता, वो जब पार्स होती है बॉडी ना, तो वो बनाता है रिक्वेस्ट के अंदर बॉडी, ऐड करता है। तो ये रिक्वेस्ट के अंदर क्या ऐड कर देता है, फाइल्स के नाम का एक ऑब्जेक्ट बना देता है, जिसमें वो एक एरे होते हैं ऑब्वियसली, और जितनी भी फाइलें रिक्वेस्ट में आई होती हैं, उन तमाम फाइलों का उसमें नाम होता है, और लोकेशन होती है कि वो कहाँ सेव है इस वक्त, जो भी मैंने बताई है उसी पे सेव है, लेकिन उसकी लोकेशन होती है वो। ठीक हो गया।
अब देखो वो कैसे है ये वाला काम आगे। मैं यहाँ पे आके एक तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी मुझे मिलेगी, ठीक है। अच्छा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर मुझे जो मेरी जैसे बॉडी सिंपल सी होती है वैसे ही मुझे बॉडी मिल जाएगी। तो मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को और रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स को, इन दोनों को यहाँ पे ना ज़रा कॉन्सोल करा के देख लेता हूँ कि ये क्या चक्कर है। बल्कि ये तमाम का तमाम कॉन्सोल उठा लेता हूँ, सही है। और मैं क्या करता हूँ, वैलिडेशन करने के, वैलिडेशन से भी पहले बल्कि ना मैं ये उसको कॉन्सोल लगा देता हूँ, ठीक है। ये कॉन्सोल में हटा दूंगा बाद में। ये तमाम पॉसिबल वो चीज़ें हैं जो यहाँ पे मुझे मिलनी चाहिए थी और वो मुझे मिल रही हैं, ठीक है जी। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, जो फाइल अभी मुझे मिली है उसका नाम, ओरिजिनल नेम, फाइल की टाइप माइम टाइप करके मुझे मिलेगा वो, फाइल नेम इन सर्वर फोल्डर, कि सर्वर के फोल्डर में उसका नाम क्या है, वो एक ओरिजिनल नेम है जो वहाँ से चली थी फाइल, एक फाइल नेम है जो मैंने अभी जो उसको मॉडिफाई किया ना, उसका नाम यूनिक करके जो मैंने अभी सेव किया है, ये वो वाला नाम मिलेगा। और ये कंप्लीट पाथ मिलेगा मुझे, कौन सा वाला, जहाँ पे अभी फाइल ये सेव है मेरे सर्वर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें कॉन्सोल हो जाएंगी, तो उसका मतलब है कि मेरा सब कुछ ओके चल रहा है। तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ इसको, और यहाँ से अगेन मैं थोड़ा सा टेक्स्ट लिखता हूँ, और यहाँ पर से थोड़ा सा एक इमेज सेलेक्ट करता हूँ और इसको सबमिट करता हूँ, ठीक है। ये सेंड हो रही है ट्वीट मेरी। अच्छा, सबमिट करते ही मेरा सर्वर जो एक्चुअली क्रैश हो गया, लेकिन जो शुरू वाले मेरे पास थे ना वो ऑब्जेक्ट सारे, वो मुझे मिल गए, ठीक है जी। देखो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर ना मुझे देखो इस तरह करके मिल रहा है, ये जो मैंने टेक्स्ट भेजा था उसके अगेंस्ट मुझे ये जो भी टेक्स्ट था वो मुझे यहाँ पे मिल गया। रिक्वेस्ट डॉट फाइल के अंदर ये एक एरे है जिसमें हर ऑब्जेक्ट एक फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स के अंदर, क्योंकि मैंने एक ही फाइल भेजी थी तो इस एरे में एक ही आइटम है। इसमें फील्ड नेम है, ओरिजिनल नेम है, इनकोडिंग है, माइम टाइप है, डेस्टिनेशन है, फाइल नेम है और उसका साइज भी है, ठीक है। जस्ट इन केस कि अगर आप यहाँ पे भी वैलिडेशन लगाना चाहें उस फाइल के साइज़ पे, जाहिर है क्योंकि एक्चुअल वैलिडेशन जो होती है सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए वो सर्वर पे लगती है, फ्रंट एंड पे जो वैलिडेशन होती है वो यूज़र एक्सपीरियंस के लिए होती है। तो अगर आपने फाइल के साइज़ पे कोई वैलिडेशन लगाई भी है तो यहाँ पे आपने वो दोबारा लगानी है और प्रॉपर लगानी है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, अपलोडेड फाइल नेम स्क्रीनशॉट करके कुछ नाम था इस फाइल का, इसकी टाइप है PNG JPG, जहाँ पे सर्वर में वो सेव हुआ है फाइल का नाम, उसके साथ टाइम अटैच हुआ हुआ है, ठीक है। और ये मुझे पूरा पाथ मिल रहा है कि अपलोड स्लैश और ये फाइल का नाम है पूरा इस तरह करके, ठीक है। और बाकी का सब कुछ ओके है। अंडरस्कोर आईडी पे कोई एरर आ गया भाई, दबे इस पर ना, लाइन नंबर 49, राइट, लाइन नंबर 49, बॉडी डॉट टोकन नहीं मिला इसको यार, ऐसा कैसे। ऐसा कैसे हो गया यार, नहीं वो तो शुरू से उसी से ही आ जाता है ना वो। ओके, आई गॉट इट, मुझे समझ आ गया ये क्या हो रहा है। ये असल में हो ही रहा है कि ये जो मल्टर है ना, ये पुरानी बॉडी को टोटली रिप्लेस कर रहा है, ये नई बॉडी बना रहा है अपनी। तो JWT मुझे कहीं और रखवाना पड़ेगा अब क्या। ये रहा ना, देखो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टोकन रखवाता था मैं वो JWT से और मुझे हर जगह वो मिल रहा होता था। तो ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर जो है ना, इसने वो क्या कर दिया, पुराना आइटम कम्प्लीटली रिप्लेस करवा दिया और अपना बॉडी, तो इसलिए मेरा टोकन अब मुझे मिलना बंद हो गया। अब इसके लिए क्या जुगाड़ करनी पड़ेगी मुझे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ज़रा गूगल कर लेता हूँ कि भाई मल्टर जो है ना,
इंस्टेड ऑफ अपेंडिंग मल्टन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी एम्प्टी. यार अब क्या करें, इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ पे मैं ये फाइल अपलोड वाला आइटम इस्तेमाल करूँगा वहाँ वहाँ पे ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी. तो एक तरीका इसका ये हो सकता है कि मैं ना उसको दोबारा से मैं पार्स कर लूँ यहाँ पे. ठीक है, आई थिंक यही तरीका रह गया, और तो कोई तरीका नज़र नहीं आ रहा मुझे. मैं उसको दोबारा से जो है वो क्या करूँगा, पार्स करूँगा. किधर गया मेरा जहाँ पर मैं उसको करता था, गेट यूज़र तो नहीं था, ये वाला था ना, डिकोडेड डेटा. JWT.verify करके है ये, लेकिन एक्चुअली मैं JWT.verify नहीं करूँगा, JWT.decode करके भी एक ऑप्शन होता है मेरे पास, तो मैं वो वाला इस्तेमाल करूँगा ना. JWT ऊपर मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया, और मैं क्या करूँगा, request.body जहाँ पे मुझे मिलती है इसके साथ ही मैं क्या करूँगा, JWT.decode. सही है, JWT.decode करके भी मुझे चीज़ मिल रही होती है. और JWT.decode को मुझे देना क्या होता है, टोकन देना होता है और ऑप्शंस देने होते हैं मुझे. सही है, आ जाओ भाई. ये request.cookie.token आ गया. ऑप्शंस कुछ भी नहीं देता मैं फिलहाल इसको, और बस दैट्स इट. और जहाँ जहाँ पे मैं ये टोकन का इस्तेमाल कर रहा था ना, बॉडी डॉट टोकन, अब वहाँ वहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिर्फ टोकन लिखूँगा डायरेक्टली. सही है, बॉडी हटा दूँगा मैं, और इसको ज़रा टोकन को मैं यहाँ कॉन्सोल भी करा लूँगा कि ये सही तरह से डिकोड हुआ या नहीं हुआ. क्या हो गया भाई, तुम्हें पता है छींकते हुए मर भी सकता है बंदा. सही है, ये टोकन इसको मिल गया अब यहाँ पर ना. ठीक है, तो मैंने इसको दोबारा से डिकोड किया है मजबूरन, क्योंकि वो वहाँ से मिलना बंद हो गया था. होपफुली मुझे इसको ना किसी और जगह पे रखना पड़ेगा, यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है इस तरह से. हाँ अच्छा जी, अब यार देखो फाइल तो मेरे पास सर्वर पे पहुँच गई, सब कुछ हो गया, सब कुछ ओके है, लेकिन एक मसला है यहाँ पे अभी भी. अब कौन मुझे बताएगा कि ये क्या मसला है. अब मसला ये, इस फाइल को रखेंगे कहाँ, फायरबेस पे रखेंगे इस फाइल को, राइट. तो अब हमें फायरबेस का सेटअप करना पड़ेगा. 10 मिनट है हमारे पास अभी. यार ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इसका. ज्यादा पैसों की ऑफर तो नहीं दे दी किसी ने. नहीं, कोई जॉब ऑफर आती है ना समटाइम, ज्यादा बड़ी जॉब ऑफर आ जाती है ना, तो फिर हार्ट अटैक वगैरह भी हो जाता है बंदों को. देख लो भाई, अच्छा भाई, तो मैंने टोकन को यहाँ पे दोबारा से जो है वो सीधा किया है. अच्छा, अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे मैं ट्वीट मॉडल डॉट क्रिएट करता हूँ और
ये तमाम की तमाम चीज़ें इसमें मैं रखवा देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने टेक्स्ट तो रखवाया हुआ है, ऑनर भी रखवा दिया, मुझे आईडी पता थी ऑनर की, वो मेरे कुकीज़ में से मिल रही थी मुझे, ठीक है। अगर किसी को कुकीज़ नहीं पता है तो वो फिर JWT वाली वीडियोस देखेगा पीछे। यहाँ पे मुझे अब एक चीज़ रखवानी है URL, ठीक है, https://r और myimageurl.com/imageid काइंड ऑफ, मुझे इस तरह का कुछ इमेज चाहिए, इमेज का URL चाहिए कि ये जैसे हम जाते हैं ना गूगल सर्च पे, किसी भी इमेज पे राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब करते हैं तो मुझे इस तरह का URL मिल जाता है। इस URL को मैं SRC में देता हूँ तो इमेज डिस्प्ले हो जाती है। तो ऐसा URL मुझे कौन देगा? मुझे देगा स्टोरेज बकेट। स्टोरेज बकेट जैसे कि फायरबेस स्टोरेज या AWS S3, इस तरह के स्टोरेज बकेट्स से मुझे ये चीज़ मिलेगी। तो यहाँ तक मेरा काम, यहाँ तक का काम तो मेरा हो चुका है। मेरे पास फाइल आके सर्वर के फोल्डर में सेव हो गई है और यहाँ पे मुझे उसका URL भी मिल चुका है। अब इस फाइल को उठा के मैंने यहाँ से फायरबेस एडमिन की एक लाइब्रेरी होती है उसके ज़रिए फायरबेस पे भेजना है। आ जाओ फिर देख लेते हैं कैसे होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फायरबेस एडमिन को जो है ना यहाँ पे ये रहा, फायरबेस एडमिन को यहाँ पे मैंने क्या करना होगा, इम्पोर्ट करना होगा। सही है, इम्पोर्ट कर लिया। अच्छा, ये फायरबेस एडमिन मैंने सेम फाइल में किया हुआ है, बेहतर ये है कि मैं इसको एक डिफरेंट फाइल में करूँ, ठीक है, जहाँ पे मेरा ये DB रेपो बना हुआ है ना, होपफुली इसमें करना शायद ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। या इसको बल्कि हम एक और बना लेते हैं फोल्डर, यार हाँ एक फोल्डर बना लेते हैं इसके लिए। ओहो, ये क्या खोला हुआ मैंने, ENV में रखेंगे इसके क्रेडेंशियल। अच्छा, मैं इसका एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसको मैं कहता हूँ भाई फायरबेस एडमिन। सही है, फायरबेस एडमिन के नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया। इसमें मैं एक फाइल बना लेता हूँ index.mjs और इस index.mjs में ये तमाम का तमाम काम मैं करवा देता हूँ। और यहाँ से जो ये बकेट बना है ना मेरा, देखो अब यहाँ पे ये सर्विस अकाउंट है ना, ये मुझे फायरबेस से लेकर आना पड़ेगा। तो पहले तो चलते हैं सर्विस अकाउंट लेकर आ जाते हैं वहाँ से। सही है, अच्छा ये रिक्वायर इस तरह से नहीं होगा, मैंने कहा npm i firebase-admin enter। सही है, इससे ये इंस्टॉल हो जाएगा फायरबेस एडमिन। और रिक्वायर वाला काम हम कैसे करते हैं, वो इम्पोर्ट से करते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्ट हो गया, क्या कर दिया इसने, ये हाँ नहीं उसने सिंटैक्स नया लिख दिया हमें भी, तो इम्पोर्ट इनिशियलाइज ऐप एक है, सही है। सर्वर को मैंने दोबारा से रन करवा दिया, क्या हो गया इसको यार अचानक से, इनिशियलाइज ऐप आ गया मेरे पास। और मुझे क्या चाहिए, admin.credential.certificate, मैंने कहा कि भाई क्रेडेंशियल उठा लो इसमें से। सही है, और एडमिन करके क्या है इसमें, स्टोरेज है, और एडमिन करके क्या है, बस ये तीन ही चीज़ें थी, तीनों चीज़ें मैंने अलग अलग उठा ली हैं। सही है, बेहतर है यार, गुड है। ज़बरदस्त हो गया, ठीक है, नए सिंटैक्स में इसको इंपोर्ट कर लिया हमने। अच्छा जी, चलते हैं जी फायरबेस पे, हम firebase.com/0
ठीक है, फायरबेस पे एक नया अकाउंट बनाना आप सब लोगों को आता है, और इसमें मेरे बहुत सारी ऐप्स पहले से बनी हुई हैं, तो मैं क्या करता हूँ किसी एग्जिस्टिंग ऐप में चला जाता हूँ, ABC डिलीट दिस के नाम से एक ऐप बनी हुई है, इसमें चला जाता हूँ, ठीक है, होस्टिंग वगैरह के लिए बनाई होगी मैंने पहले। अच्छा, नई ऐप बना के भी आपके पास सेम यही स्क्रीन दिखती है तो कोई फ़र्क नहीं है। तो मैं इसमें मैं गया और इसमें जाके मैंने क्या करना है, फायरबेस स्टोरेज में चला जाना है, ठीक है, स्टोरेज में चला गया मैं। अभी यहाँ पे देखते हैं कि स्टोरेज की क्या रिपोर्ट है। अच्छा, स्टोरेज यहाँ पे ना शायद पहले से कुछ लगा हुआ है स्टोरेज वगैरह ना, तो मैं मे भी इसको डिलीट कर देता हूँ, इस स्टोरेज को डिलीट नहीं कर सकता मैं। चलो यार एक नई ऐप बना लेता हूँ, एक नई ऐप बना लेता हूँ, सही है, एक नई ऐप बना लेता हूँ, ताकि क्योंकि इसमें रूल को भी ट्रू करना पड़ता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट शायद अब फॉल्स आता है रूल, तो वो जब बनाने लगोगे तो स्टक ना हो जाओगे। तो मैंने कहा कि भाई स्टोरेज डिलीट दिस, ठीक है, और कंटिन्यू, और इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ ताकि ये मुझसे ज़्यादा सवालात ना पूछे। ठीक हो गया जी, कंटिन्यू बन के तैयार हो गई है मेरी एक नई ऐप। मैं बिल्ड पे गया, स्टोरेज पे गया, और स्टोरेज में गेट स्टार्टेड का बटन दबाया मैंने। इसने मुझसे पूछा कि यार आपको प्रोडक्शन मोड में करना है या टेस्ट मोड में करना है, ठीक है, तो मैंने कहा मुझे टेस्ट मोड में करना है। अच्छा, अभी ना डिपेंड नहीं करता है कि मैं टेस्ट में करूँ या प्रोडक्शन में करूँ, एक ही बात है, ठीक है, तो मैं प्रोडक्शन मोड में करता हूँ इसको, और प्रोडक्शन मोड में करके मैं इसको ट्वीक कर लूँगा थोड़ा सा ना। अब दोनों मोड में डिफरेंस क्या है वो भी ज़रा आप गौर से देखेंगे ना, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, अगर आप टेस्ट मोड में करते हैं तो ये कहता है कि अलाओ रीड और राइट इफ़ अभी का जो टाइम है वो 2023 से पहले पहले का है, ठीक है, 15 तारीख दूसरा महीना 2023, ठीक है, एक्चुअली ये अगले साल की नहीं, आज ही की डेट अगले साल की बता रही है। अच्छा, एक महीने बाद की है 2023, अच्छा 2023 तो आ गया ना, ठीक है, तो दूसरे महीने की ये बात कर रहा है, अभी पहला महीना चल रहा है तो दूसरे महीने की, तो 30 दिन में ही एक्सपायर हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है, टेस्ट मोड में। और प्रोडक्शन मोड में क्या है, ये कह रहा है कि भाई अलाओ रीड राइट फॉल्स। अब ये फॉल्स जाहिर है इस तरह तो चलेगा नहीं, फॉल्स में तो फिर कुछ भी रीड राइट नहीं चलेगा। ये असल में यहाँ पे हम फिर रूल लिखते हैं, इसके रूल हम ये लिखते हैं कि बंदा ऑथेंटिकेटेड अगर है तो उसको एक्सेस दे दो, फिर हम कहते हैं कि भाई अगर बंदे की जो आईडी है वो ये है तो इस फोल्डर का एक्सेस दे दो, ठीक है, तो ये असल में डायरेक्ट फ्रंट एंड से अपलोड करने के हिसाब से इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट अगर फ्रंट एंड से आप फाइल को अपलोड करते हैं फायरबेस एडमिन में, तो आप किसी भी हाल में उसको सिक्योर नहीं बना सकते, वो हमेशा इनसिक्योर रहेगी। अगर उसको आप सिक्योर बनाना चाहते हैं फ्रंट, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ अपना जुमला में, अगर आप फ्रंट एंड से डायरेक्ट फाइल अपलोड कर रहे हैं फायरबेस स्टोरेज में और आप उसको सिक्योर बनाना चाहते हैं, तो आपको प्रॉपर फायरबेस के सिक्योरिटी रूल्स लिखने पड़ेंगे। फायरबेस के सिक्योरिटी रूल आप सिर्फ उसी हालत में लिख सकते हैं, सिर्फ उसी सिचुएशन में लिख सकते हैं जब आपने ऑथेंटिकेशन फायरबेस की यूज़ की हो। अगर आपने फायरबेस की ऑथेंटिकेशन यूज़ नहीं की तो आप सिक्योरिटी रूल में लिखेंगे क्या? वो तो होता ही सारा है कि auth.user.id ऐसे करके होता है, ठीक है। तो अगर तो आप फायरबेस का जो स्टोरेज है इसको फ्रंट एंड से डायरेक्ट यूज़ करना चाहते हैं, तो फायरबेस क्या बोलता है कि हमारा ही ऑथेंटिकेशन सिस्टम यूज़ करोगे तो ये चलेगा। अच्छा, जब आप फायरबेस का ऑथेंटिकेशन सिस्टम यूज़ कर लेते हैं तो फायरबेस आपको लॉक इन कर लेता है, क्योंकि आपका जो यूज़र अंदर बनता है वो आपको नज़र नहीं आता, ठीक है ना, आप उसको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते हैं, तो आप फिर फायरबेस से कहीं जा नहीं सकते कहीं और, लॉक इन करता है आपको ये, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से मैं फायरबेस स्टोरेज को पर्सनली कभी भी फ्रंट एंड से डायरेक्ट यूज़ नहीं करता हूँ, एडमिन के ज़रिए करता हूँ सर्वर से। अच्छा, सर्वर से करने में जो है ना कोई ऐसा मसला नहीं है, और क्या कहते हैं, सर्वर से जब आप भेज रहे होते हैं तो आपको ये सिक्योरिटी रूल वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि डायरेक्ट कोई बंदा आपके स्टोरेज को एक्सेस नहीं कर रहा होता, सर्वर में आपके कोड के ज़रिए एक्सेस हो रहा होता है, तो उसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, आप जस्ट ये लिख देते हैं कि भाई अगर ऑथेंटिकेटेड नहीं है बंदा तो उसको एक्सेस नहीं करने दो, ठीक है। यानी कि सर्वर से अगर कोई और बंदा हिट कर रहा है तो वो जब भी हिट कर सके जब उसके पास एक सर्टिफिकेट हो, ठीक है, अदरवाइज़ वो ना कर पाए। वैसे भी वो सर्टिफिकेट के बगैर चलने नहीं देता उसको। तो मैं यहाँ पे आऊँगा टेस्ट मोड पे, ठीक है, और टेस्ट मोड पे आके मैं करूँगा नेक्स्ट। और भैया रीजन पूछ रहा है, रीजन आपको पता है क्या चीज़ होती है? और देखो अभी करूँगा क्या मैं, अभी मैं एक ऐसा काम करूँगा कि ये फिर कभी भी बंद नहीं होगा, टेस्ट मोड इसका हमेशा चलता रहेगा। नहीं, हैकिंग नहीं सिखा रहा हूँ, तरीका है इसका करने का ये। तो ये सिक्योरिटी रूल में आ गया मैं इसके। सिक्योरिटी रूल में आने के बाद ना या तो मैं ये डेट बहुत आगे की कर दूंगा, मैं कहूँगा कि भाई 2999, ठीक है, ये मैं इतना आगे की करके उसको मैं पब्लिश कर दूंगा। तो ये डेट बहुत आगे की क्योंकि मैंने डाली है तो ये कभी भी एक्सपायर नहीं होगा, सही है। दूसरा ये भी हो सकता है कि मैं इसको जो है ना यहाँ पे इफ़ हटा ही दूँ और सीधा सीधा मैं ऐसे ट्रू लगा दूँ, सही है। एक मिनट ना, इफ़ के आगे ट्रू देना है ना मुझे, बस मैं यहाँ पे सीधा सीधा ट्रू लिख के उसको पब्लिश कर दूँ। हाँ प्रोडक्शन में भी, वो प्रोडक्शन असल में कुछ भी नहीं है, वो टेस्ट मोड और प्रोडक्शन मोड कुछ भी नहीं है, वो दो उन्होंने रेडीमेड लिखे हैं सिक्योरिटी रूल, ठीक है। वो टेस्ट पे करोगे तो एक आ जाता है, प्रोडक्शन पे करोगे तो दूसरा आ जाता है, वो असल अलग अलग नहीं है, वो एक ही है, सही है। तो ये मैंने इसको ट्रू कर दिया यहाँ पे, और ट्रू करने से क्या होगा, ये सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल सेटमेंट हो गया। अच्छा, ये मेरा जो है ना एक स्टोरेज बकेट का URL है, सही है, ये मुझे चाहिए होगा। उसके अलावा मुझे सर्विस अकाउंट चाहिए होगा, मैं प्रोजेक्ट की सेटिंग में जाऊँगा, यहाँ से मैं नीचे जाऊँगा और वेब के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। नो नो नॉट लाइक दैट, हाँ सही कहा तुमने, इधर नहीं है वो है क्या है, सर्विस अकाउंट है, सर्विस अकाउंट है। और यहाँ से मैं क्रिएट सर्विस अकाउंट का बटन दबाऊँगा, क्रिएट सर्विस अकाउंट, जनरेट की, सही है, शो इन फाइंडर, और ये मुझे पूरा का पूरा सर्विस अकाउंट मिला है यहाँ पे। इसको मैं कट करूँगा यहाँ से, इसको मैं कट करूँगा और यहाँ पे लाके इसको मैं पेस्ट कर दूँगा, राइट, सही हो गया, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये नीचे जो डेटाबेस का URL है ना, डेटाबेस के URL में मैं कौन सा वाला URL लाके लगाऊंगा, जो भी मेरे प्रोजेक्ट की ID है वो लाके मैं लगा दूंगा, तो ये काम हो जाएगा मेरा, ठीक है। मेरे प्रोजेक्ट की जो ID है वो यहाँ पे भी शो हो रही होगी ना, स्टोरेज और डिलीट दिस, ये मेरे प्रोजेक्ट की ID, राइट, तो मैं यहाँ पे ये लगा दूंगा। अच्छा, यहाँ पे भी लाइन नंबर 17 में भी और लाइन नंबर 19 में भी, दोनों में एक्चुअली यही लग रहा होगा, सही है। मैं वापस स्टोरेज में आता हूँ, देख रहे हो यहाँ पे ये वाला जो URL है, ये भी स्टोरेज डिलीट दिस appspot.com, ठीक है, appspot.com। तो यहाँ से मेरी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है, ये मेरा क्या तैयार हो गया बनके, बकेट बनके तैयार हो गया। अब मैं इस बकेट को क्या करूँगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट बकेट, यहाँ से मैंने इसको एक्सपोर्ट करवा दिया। अब मैं पूरी ऐप में कहीं पे भी इसको इम्पोर्ट करूँगा और बकेट डॉट अपलोड मारूँगा, सीधा फायरबेस पे पहुँच जाएगा मेरा डेटा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम इसको आके ये tweet.mjs के अंदर ना, इसको आके हम इम्पोर्ट कर लेते हैं, इम्पोर्ट और .firebaseadmin/index.mjs, ठीक है। index.mjs वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, अगर मैं सिर्फ फायरबेस एडमिन तक भी लिख दूं तो ये हो जाता है, ठीक है। बकेट यहाँ से मैंने उठा लिया फायरबेस एडमिन में से। अब इस बकेट पे मैं क्या करूँगा, डॉट अपलोड कॉल करूँगा। डॉट अपलोड में किस जगह पे कॉल करूँगा, जहाँ पे मेरी फाइल आके फोल्डर में स्टोर हो चुकी है वहाँ पे मैं आके करूँगा, ठीक है। अच्छा,
तो क्या मुझे यहाँ पे करना चाहिए? एक्चुअली मुझे वैलिडेशन के बाद करना चाहिए ना, ताकि वैलिडेशन तो असल चीज़ है ना, वो तो शुरू में होनी चाहिए। वैलिडेशन की है मैंने, बॉडी डॉट टेक्स्ट को यहाँ पे प्रिंट करवाया है, ठीक है, इसके बाद मुझे ये काम करना चाहिए। ठीक है, ये वैलिडेशन मेरी यहाँ तक कंप्लीट हो गई है, उसके बाद मैंने चीज़ों को कॉन्सोल करवाया, और चीज़ों को कॉन्सोल कराने के बाद मैं कहूँगा कि भाई बकेट डॉट अपलोड, सही है। अब ये बकेट डॉट अपलोड को मैं कैसे यूआरएल पास करूँगा, वो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है ऑलरेडी, आपने जस्ट क्या करना है, ठीक है, ये है वो कोड बकेट डॉट अपलोड करके, ठीक है, और ये लास्ट तक यहाँ लिखा हुआ है कोड पूरा। अच्छा, इसमें कमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, वैसे ही इतना लंबा चौड़ा कोई कोड नहीं है, ठीक है, बिना वजह के इसमें, मतलब बिना वजह के तो नहीं, वो मैंने अपने क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए बनाया है, तो उसमें मैंने तमाम कमेंट्स को उसमें रखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, बकेट डॉट अपलोड में मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट फाइल 0 और उसका पाथ। अब ये कौन सा वाला पाथ मैंने लगाया है, फाइल पाथ इन सर्वर फोल्डर, मैंने ये वाला पाथ इसमें यहाँ पे इसको दे दिया। अच्छा, उसके अलावा मैं इसको डेस्टिनेशन भी दे सकता था, मिसाल के तौर पे अगर मुझे इसको फायरबेस के बकेट में किसी ख़ास जगह पे स्टोर करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, यार ये क्या हुआ इसको, ये ब्रेक क्यों हुआ है सर्वर, अनसपोर्टेड डायरेक्टरी इम्पोर्ट, अरे यार इसको कह रहा है कि इंडेक्स डॉट एम जी एस दे दो मुझे। अच्छा, ये फायरबेस एडमिन को जो हमने इम्पोर्ट किया ना, इज़ अ कॉमन जे एस मॉड्यूल विच मे नॉट अपेयर इन दिस 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 क्रेडेंशियल। अच्छा, वो कह रहा है भाई आपने जो इसको किया है ना इस तरह से, ये ऐसे करके नहीं होगा, ये जो है ना वो कॉमन जे एस वाला बन जाना, तो इसको आप क्या करोगे, एक्चुअली इसको आप करोगे क्या, सही है, ऐसे करके आप करोगे इसको, कह रहा है भाई प्रॉपर तरीका यही है करने का, अगर ऐसे कर लो तो सही है, तो मैं एडमिन डॉट करके ही लगाऊंगा, समझ रहे हो। अभी तक उन्होंने जो इसको, इस लाइब्रेरी को ना मॉड्यूल जे एस वाले पे कन्वर्ट नहीं किया है, सही है, तो अब सेट है बिल्कुल, ठीक है, पुराने वाले पे कर दिया मैंने इसको, तो अभी सेट हो गया बिल्कुल ये। अच्छा, अब देखो, बकेट डॉट अपलोड की हम बात कर रहे थे, बकेट डॉट अपलोड को मैं डेस्टिनेशन भी दे सकता था। डेस्टिनेशन में कब दूंगा इसको, डेस्टिनेशन में उस सूरत में दूंगा कि जब मुझे इसको किसी ख़ास जगह पे स्टोर करवाना है। अभी जब मैं इसको भेजूंगा ना यहाँ से, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो रूट पे सेव होना शुरू हो जाएगा सारा सारा का सारा, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि एक फोल्डर बने जिसका नाम हो ट्वीट, एक फोल्डर बने जिसका नाम हो ट्वीट, और उसके अंदर ये सारी चीज़ें जाके सेव हो रही हूँ, राइट। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डेस्टिनेशन को यहाँ पे से ओपन करना पड़ेगा, और डेस्टिनेशन में जाके मुझे, अच्छा डेस्टिनेशन का, डेस्टिनेशन हम कैसे पास करते हैं, ये नाम होता है फाइल का, देखो यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली वही नाम लिखा है जो उधर पास हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने दोबारा से गेट टाइम लगाया है, तो दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये बोलूँगा, मैं बोलूँगा भाई जो सर्वर पे जो नाम आया ना, फाइल नेम इन फोल्डर सर्वर, तो मैं ये वाला नाम लिख दूंगा, तो इसमें पहले से टाइम अटैच हुआ है और ये यूनिक है, तो मैंने कहा कि भाई ये नाम होगा यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। और मैं ये कैसे बताऊँगा कि फोल्डर में जाओ, मैं बोलूँगा कि प्रोफाइल पिक्चर स्लैश, तो जब मैं ये बात बोलूँगा ना, प्रोफाइल पिक्चर स्लैश करके फाइल का नाम, ठीक है, हाँ फाइल के नाम में मुझे टेम्पलेटिंग करनी पड़ेगी, सही है, तो ऑटोमेटिक इस नाम से एक फोल्डर बन जाएगा, क्योंकि लिनक्स के अंदर ना डायरेक्टरी फोल्डर के नाम से समझी जाती है, ठीक है। जैसे विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम में तो ये होता है कि फोल्डर एक एंटिटी होती है, लिनक्स के अंदर या मैक के अंदर फोल्डर कोई एंटिटी नहीं होती,
एक फाइल होता है, उसका नाम होता है, उसके नाम में जितने स्लैश होते हैं ना, उस स्लैश को एज अ डायरेक्टरी बना बना के दिखा दिया जाता है। तो डायरेक्टरी इज नथिंग बट फाइल नेम का पार्ट। तो ये मैंने फाइल के नेम में जितने मैंने फोल्डर बनाने हैं ना, मैंने कहा कि भाई टेम्प्रोरी का फोल्डर बनाओ, टेम्प, उसके अंदर प्रोफाइल पिक्चर बनाओ उसके, तो मैं स्लैश स्लैश लगा के बताता जाऊंगा, उसको समझ आ जाएगा खुद ही, ठीक है। तो इसको बल्कि शायद मैं कहता हूँ कि यार ट्वीट्स कहता हूँ, सही है, ट्वीट पिक्चर्स। तो मैंने कहा भाई डेस्टिनेशन और ट्वीट पिक्चर्स, और उसके अंदर जो है ना ऐसे करके ये फाइल नेम लगाओ, ठीक है। जो मेरे पास फाइल नेम आता था उसमें वो PNG भी था ना साथ में डॉट, या नहीं था वो, देख लेते हैं। क्योंकि डॉट PNG भी मुझे देना है साथ में ना, या JPG जो भी नाम है उसका। अबे यार ये तो बहुत नीचे चला गया, एक काम करते हैं एक दफ़ा और यहाँ से अपलोड मार के देख लेते हैं ना। सही है, यहाँ पे हमें देखना है कि भाई सही है, एरर तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि कोड अधूरा है मेरा। मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ मैंने भेजी है ना यहाँ से, फाइल पाथ इन सर्वर फोल्डर, हाँ ठीक है, इसमें लास्ट में डॉट PNG इसमें लगा हुआ है, ठीक है। क्योंकि डॉट PNG अगर लगा हुआ नहीं होगा ना, वो सेव तो उसको कर देगा, लेकिन फिर बाद में जब मैं गेट करूँगा तो डॉट PNG नहीं होगा, तो कन्फ्यूजन का सबब बन सकता है। फिर मैं ये कैसे समझूंगा कि ये फ़ाइल कौन सी वाली है, ठीक है, कि भाई मतलब IMG के टैग में लगाऊंगा तो डिस्प्ले तो वो हो जाएगी, लेकिन मुझे भी तो दिखना चाहिए ना कि यार इसमें डॉट PNG है तो ये एक इमेज फाइल है। तो वो करप्शन भी हो सकती है, डेटा करप्ट हो सकता है वो, ठीक है, डेटा की करप्शन का सबब बन सकता है वो। तो आजकल तो वैसे ब्राउज़र स्मार्ट होते हैं, उसको अगर एक्सटेंशन ना भी मिले तो वो समझ जाता है, लेकिन कुछ ब्राउज़र हो सकता है उसको ना समझ पाए, या कोई ऐसा मैं फ़ोटो एडिटर हो जिसमें मैं क्लिक करूं तो वो ना खुल पाए, या सम टाइम जो है ना फाइल के नाम में कहीं बीच में भी डॉट वॉट आया हुआ होता है तो वो किसी और चीज़ को एक्सटेंशन समझ लेगा फिर। अच्छा वेल, तो मैंने कहा कि भाई बकेट डॉट अपलोड रिक्वेस्ट, फाइल का यहाँ पे पाथ बताया मैंने, उसके बाद एक ऑप्शन दिया जिसमें मैंने डेस्टिनेशन बताया, उसके बाद ये कॉल बैक फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन में या तो एरर मिलेगा या तो फाइल मिलेगी मुझे, ये कौन सी फाइल है जो अभी अभी अपलोड हुई है वो मिलेगी, फाइल नहीं मिलेगी इसकी, फाइल का असल में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी मुझे फाइल की, यानी फायरबेस पे जो अपलोड हो चुकी है ना वो ऑब्जेक्ट मिलेगा मुझे, ठीक है। एक्चुअल फाइल तो अब मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगी, वो जा चुकी है। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, मुझे इस फाइल का पब्लिक डाउनलोडेबल URL चाहिए, ठीक है। फायरबेस पे जब कोई फाइल अपलोड होती है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पब्लिक नहीं होती है वो फाइल, उसको पब्लिक करना पड़ता है मुझे, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट वो फाइल प्राइवेट होती है, कि अगर उसको उसका किसी को URL मिल भी जाए तो वो खुलेगा नहीं, यानी अगर कोई अनऑथेंटिकेटेड बंदा उस URL को हिट करेगा तो उसको वो इमेज नहीं मिलेगी। लेकिन मैं ये करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई फाइल डॉट गेट साइन URL, और मैं क्या बोलता हूँ कि रीड का एक्सेस दे दो सबको और इतने डेट तक दे दो। तो इसमें भी क्या करूँगा, मैं एक लंबा टाइम सेट कर दूँगा ताकि बहुत एक ऐसा सर्टिफिकेट जनरेट हो। एक्चुअली पीछे इसके JWT वाली कोई चीज़ चल रही होती है तो उसमें एक्सपायरी ये मैंने रखवाया है, तो जब भी वो सर्टिफिकेट लेकर वापस आएगा तो वो चेक करता है। तो मैंने एक लंबी डेट रख दी ताकि ये एक्सपायर ना हो, डिपेंडिंग ऑन कि ये क्या कर रहा हूँ मैं इसको शॉर्ट भी कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं ये वाली चीज़ कॉल करूँगा ना, URL डेटा के अंदर मुझे पब्लिक डाउनलोडेबल URL मिल जाएगा, ठीक है। अब ये पब्लिक डाउनलोडेबल URL मिलने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, इसको ऑब्वियसली मैं एक जगह पे स्टोर कर लूँगा, क्योंकि अब मैंने ये पब्लिक डाउनलोडेबल URL कहाँ भेजना है, डेटाबेस में भेजना है, MongoDB के डेटाबेस में, ठीक है। तो इसको मैं मोस्ट प्रॉब्ली कहाँ रखवा लूँगा, request.body में भी रखवा सकता हूँ, या मे भी मैं यहाँ बाहर एक URL वो बना लूँ। ओके एक्चुअली अब ये आगे पता है क्या होगा, ये जो क्रिएट वाला काम है ना, अब ये इसके कॉल बैक के अंदर होगा, ये बाकी का सारा काम मुझे उठा के अंदर ले जाना होगा, है ना। तो इसको मैंने यहाँ से कट किया और कट करके मैं इसको अंदर लेकर जाऊँगा, जहाँ पे मुझे वो यहाँ जो रिस्पॉन्स भेजता हूँ ना मैं, इस रिस्पॉन्स की जगह पे इसको मैं रखूँगा एक्चुअली, ठीक है। कोड हमारा लंबा होता जा रहा है, चीज़ें सर के ऊपर से गुजरती जा रही हैं।
ठीक है, तो ये जो मेरा यू आर एल डेटा का जो इंडेक्स नंबर 0 है, अब इसको मैंने यहां रखवा देना, गॉट इट। अच्छा ये मैंने कमेंट वॉमेंट किए हैं कुछ, ठीक है, कमेंट में मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है नहीं उधर ओरिजिनल तो पड़ा है ना वो। अच्छा ये मैंने यहाँ पे बात ये लिखी है कि भाई ये आपके पास ना, आप अगर गौर करेंगे तो ये अपलोड का जो फोल्डर था ना, ये पॉपुलेट होता चला जा रहा है, देख रहे हो, जितनी फाइल आती है वो इधर आगे स्टोर हो जाती है। अब क्या करें इसका, तो इसका हमें करना ये चाहिए असूलन कि जब ये बकेट डॉट अपलोड मैंने चला दिया और ये सक्सेसफुली उठ के फायरबेस स्टोरेज पे पहुंच गई, वहाँ से मुझे डाउनलोडेबल यूआरएल भी मिल गया, तो इस फोल्डर से मुझे इसको डिलीट करवा देना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ रेकमेंडेड, क्यों रेकमेंडेड है, क्योंकि हरिको या इस तरह का कोई भी प्लेटफॉर्म अगर आप यूज़ कर रहे हैं साइक्लिक, तो वो जो स्टोरेज देता है ना आपको सर्वर पे, स्टोरेज का जो आपका होता है पार्ट जिसमें आपकी जो फाइलें स्टोर होती हैं सारी, जाहिर है इंडेक्स डॉट एम जे एस जो फाइल है आपकी सर्वर की, पैकेज डॉट जेसन नॉट मॉड्यूल, ये सर्वर के अंदर ही स्टोर है ना, तो वहाँ पे एक स्टोरेज होती है आपकी एक्चुअली, तो वो मेरे ख्याल है 1 GB होती है या शायद 5 GB तक होती है हरिको में। अब हरिको तो हम यूज़ नहीं कर रहे, साइक्लिक करते हैं आजकल, तो साइक्लिक में वो लिमिटेड होती है स्टोरेज वो, या किसी भी अगर आप गूगल ऐप इंजन वगैरह पे आपने डिप्लॉय किया हुआ है तो सर्वर में एक स्टोरेज होती है, ठीक है। जो ये फोल्डर अभी तो देखो रन हो रहा है ना ये सर्वर, तो ये फाइल जो रन हो रही है, जो फाइल वो कहाँ पड़ी हुई हो, मेरे कंप्यूटर में। मैं यही तमाम फाइलें उठा के कहाँ भेजता हूँ, साइक्लिक के कंप्यूटर में भेजता हूँ, तो वो जहाँ पे वो फाइल स्टोर होती है ना जाके, तो वो कहलाती है सर्वर स्टोरेज, ठीक है। आप जब इसकी प्राइसिंग प्लान देखेंगे तो उसमें वो दिखा रहा होता है कि भाई साइक्लिक स्टोरेज इतने GB देता है, तो वो उसे स्टोरेज का मतलब होता है ये। तो वो अगर फुल हो गई ना स्टोरेज, तो ये क्रैश करना शुरू कर देगा, जाहिर है वो फुल हो जाएगी, वो नया आइटम वहाँ सेव नहीं करने देगा, समझ रहे हो बात। तो उससे होगा ये कि नया बंदा कोई ट्वीट करेगा, वो इमेज इधर सेव नहीं हो पाएगी, इधर सेव नहीं होगी तो नतीजतन क्या होगा, वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट फाइल में वो मिलेगी नहीं और वो क्रैश होता रहेगा, समझ रहे हो बात। अच्छा दूसरी बात ये कि अगर आप ये समझ रहे हो कि यहाँ पे मैं स्टोर कर दूंगा इसको तो ये कभी भी यहाँ से गायब नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सर्वर आपका जब भी रीस्टार्ट होता है तो ये ख़त्म हो जाती है चीज़ें सारी, ठीक है, ये चीज़ें सारी डिलीट हो जाती हैं, क्योंकि बिहाइंड द सीन आपका जब कोड यहाँ से जाता है तो बिहाइंड द सीन माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर होता है सब लोगों के पास, जिसमें आपका जो कोड होता है वो एक कंटेनर में चल रहा होता है, तो वो कंटेनर जाहिर है जैसे ही डाउन होता है तो उसके अंदर की सारी फाइल ख़त्म हो जाती है। कंटेनर क्या होता है ये मत पूछ लेना, अब ये हमने एक दफ़ा डिस्कशन की है, ये वाली ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम हमने डिस्कस किया था, ठीक है, तो ये उसकी बात हो रही है। तो वो ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम में जिस मशीन पे आपका कोड रन हो रहा है, या मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, एक ही कोड आपका चार मशीनों पे रन हो रहा होता है, तो वो चार जगह, ये चार अलग अलग फोल्डर बने हुए, तो जो लोकल वेरिएबल बनाते हैं ना मगर सर्वर पे, तो वो वाला केस हो जाएगा इस पे। लोकल वेरिएबल अगर बना के हम गेट करते हैं काउंटिंग, तो कभी 10 देता है, कभी 5 देता है, कभी 12 देता है, चार अलग अलग मशीनों पे चल रहा होता है वो, ये हमने डिस्कस किया था माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में। वही सीन इसके साथ होगा कि किसी में फोल्डर में 2 फाइल पड़ी होगी, किसी में 3 पड़ी होगी, किसी में 4 पड़ी होगी, और फिर जब वो जैसे ही रीस्टार्ट होगा तो वो फाइलें ख़त्म भी हो जाएंगी उसमें से, तो सूनर और लेटर ये दीज फाइल्स आर गोना गेट डिलीटेड। तो बेहतर ये है कि इसको मैं हाथ के हाथ क्या करूँ, डिलीट करवा दूँ। डिलीट करवाने के लिए मुझे क्या करना होता है, fs का एक मेरे पास मॉड्यूल होता है, मैं कहूँगा fs.unlink और मैं कहूँगा कि भाई जो भी फाइल था मेरा उसका पाथ दूंगा मैं, और मैं कहूँगा यार इस फाइल को आप क्या कर दो, डिलीट कर दो आप, ठीक है। ये डिलीट का ये 1-2 लाइन का कोड है, दैट्स इट, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको अपने हाथ के हाथ डिलीट कर देना है। उससे होगा ये कि ये फोल्डर आपको ऐसा लगेगा कि खाली ही है, ये फोल्डर अभी मैंने डिलीट कर दिया ना, तो अभी आप ये फोल्डर खाली रहेगा, जब मैं कोई वहाँ से चीज़ पोस्ट करूँगा तो यहाँ पर वो आएगा और आके 1-2 सेकंड यहाँ रहेगा, जैसे ही वो अपलोड कंप्लीट होगा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एफिशिएंट वे है इसको यूज़ करने का। हाँ अब ये fs जो है ना मैंने ऊपर इम्पोर्ट नहीं किया हुआ है, ठीक है, fs को ज़रा इम्पोर्ट कर लेते हैं। हाँ सही है, ये नॉट जी एस के साथ इंस्टॉल होता है fs, तो इसके लिए अलग से कोई इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है। और
अब देख लेते हैं आगे कुछ रह तो नहीं गया हमारा। ओके ये मैंने इसको डिलीट भी कर दिया और यहाँ पे मैंने ट्वीट डॉट क्रिएट करके ये यूआरएल साथ में डाला और मैंने कहा भाई जब सेव हो जाए तो आप क्या कर देना, ट्वीट एडिड सक्सेसफुली का रिस्पांस यहाँ पे दे देना। अच्छा अब एक चीज़ करनी पड़ेगी, ट्वीट मॉडल में ना यूआरएल नाम की कोई चीज़ नहीं है, सही है। पिक्चर कर देता हूँ मैं इसको, पिक्चर यूआरएल, सही है। इस नाम की कोई चीज़ अभी तक इसके मॉडल में नहीं है, तो इसके मॉडल में जाके ज़रा ये चीज़ ऐड कर देते हैं। इमेज के नाम से इसमें था ना, तो चलो इसको पिक्चर यूआरएल कर दिया मैंने, या इमेज यूआरएल शायद ज़्यादा बेहतर वर्ड है, क्या ख्याल है? इमेज यूआरएल शायद बेहतर वर्ड है, तो फिर यहाँ पे क्या आके भी मुझे इमेज यूआरएल ही देना पड़ेगा। तो मैंने कहा इमेज यूआरएल और ऐसे करके ये पास करवा दिया। लेट्स सी के अब क्या होता है। और मैं यहाँ पे आके दोबारा टेक्स्ट लिखता हूँ, दिस इज फर्स्ट ट्वीट विथ इमेज, और यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट करके मैं इस बार ये वाली पिक्चर सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये वाली पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ इस बार में, और मैं कहता हूँ सबमिट, और ये मेरे पास रिक्वेस्ट चल रही है, रिक्वेस्ट चली गई, सेट हो गई, ओके हो गई। और अब मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करूँगा जब, तो ये दिस इज़ फर्स्ट ट्वीट विथ इमेज तो यहाँ लिखा हुआ आ गया, लेकिन इमेज इसके साथ डिस्प्ले नहीं हुई है। इमेज डिस्प्ले इस वजह से नहीं हुई है क्योंकि मैंने फ्रंट एंड पे उसको रेंडर नहीं करवाया इमेज को। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को तो आप देखें मुझे रिस्पांस में जो ट्वीट, तमाम ट्वीट आती है मेरे पास, उसमें जो रीसेंट ट्वीट है उसमें मेरे पास एक अदद इमेज यूआरएल आता है यहाँ पे। ये बड़ा है, हाँ वो आगे सिग्नेचर है ना उसके 1024 कैरेक्टर का, वो आगे उसके असल में लास्ट में ना सिग्नेचर है, ये देख रहे हो गूगल एक्सेस आईडी करके ना एक सिग्नेचर है उसका, वो इसलिए लंबा है, अदरवाइज ये पीएनजी तक ही है जस्ट। तो वेल ये मुझे इमेज यूआरएल करके एक चीज़ मिलती तो है, बट मैंने उसको स्क्रीन पर रेंडर नहीं करवाया है, तो मैं यहाँ पर आगे इतने कोड को कमिट कर देता हूँ। फाइल अपलोड API कम्प्लीटेड, API वाला काम मैंने कर लिया है। अब मैं वापस से फ्रंट एंड पे आ रहा हूँ, और वापस से फ्रंट एंड पे आकर छोटी सी एक चेंजेस वहाँ पे करने के बाद ये चल पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पे मैं इसको मैप चला के रेंडर करता हूँ वहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है कि भाई ट्वीट का टेक्स्ट हो, और ट्वीट के टेक्स्ट के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे एक IMG हो, और IMG का जो सोर्स होगा ना वो क्या होगा, ईच ट्वीट डॉट इमेज URL, राइट। तो ये मेरे पास जो ट्वीट है ना वो इमेज के साथ नज़र आने लग गई है, ठीक हो गया जी। चलो भाई या तो पूरी बजा लो ताली या तो मत बजाओ। हाँ भाई क्या क्वेश्चन है? सर वो जो आपने उस दिन किया था कॉल बैक हेल्प साफ करके ना उसको सीधा कर दिया था लाइन में, सर वो अगर कर सकते हैं तो? वो हमारे पास, हम आधा घंटा ऊपर हो गए क्लास के टाइम से, अगर आप लोग हैं बैठने को तैयार तो मैं कॉल बैक हेल्प को सीधा कर देता हूँ, खुद ही कर लेना, क्या हो गया वो तो आपको पता है, कॉल बैक की जगह वेट लगेगा उसमें, और नीचे एक ही ट्राई कैच होगा उसमें सारे अगर एक साथ हैंडल हो जाएंगे। स्टेटस कोड कैसे भेजेंगे सर उससे? स्टेटस कोड सर, अगर अच्छा सवाल इसने अच्छा पूछा है। देखो वो जो मैं थ्रो कर रहा था ना मैसेज स्ट्रिंग, तो वो स्ट्रिंग मैसेज की जगह पे आप ऑब्जेक्ट भी थ्रो कर सकते हैं एरर का। नहीं यार नहीं पकड़ रहा वो, अच्छा वो देख लेंगे उसको कैसे होगा वो, फिर मैसेज और स्टेटस कोड लिखकर मैंने नीचे गेट करने की कोशिश की उसको कैच के अंदर, अगर वो सिर्फ स्ट्रिंग कर रहे हो तो जा रहा है, सिर्फ स्ट्रिंग कर रहा हूं तो जा रहा है। इस स्टेटस कोड में सर वहां पकड़ रहा नहीं, ऑब्जेक्ट जा रहा पूरा है मगर वो स्टेटस कोड के अंदर वो नहीं पकड़ रहा। एक मिनट इसको हम हल्का सा चुन्ना मुन्ना सा गूगल कर लेते हैं, THROW एरर JS, सही है। एरर थ्रो करने का जो जावास्क्रिप्ट के अंदर मैकेनिज्म है ना उसको हम देख लेते हैं कि उसमें थ्रो के आगे क्या क्या एक्सेप्ट कर लेता है वो, ठीक है। ये देखो
थ्रो एरर करके ऐसे करके स्ट्रिंग तो हमने दिया हुआ है, और क्या आ जाता है थ्रो के आगे, देखो थ्रो के आगे डायरेक्ट स्ट्रिंग हो जाता है, न्यू एरर हो जाता है, और बस ऑब्जेक्ट नहीं होता, होता होगा यार ऑब्जेक्ट। थ्रो एन एक्सेप्शन विथ अ न्यूमेरिक वैल्यू, ये तो न्यूमेरिक वैल्यू की बात कर रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट भेजना हो मुझे इसमें तो क्या करूँगा मैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रो न्यू एरर एंड थ्रो। यार ये भेज तो रहे बंदा न्यू करके ऐसे पूरा ऑब्जेक्ट नहीं, अगर जैसे मिसाल के तौर पे आप कह रहे हो ना कि सिर्फ स्ट्रिंग अलाउ कर रहे हो, तो जेसन को स्ट्रिंगिफाई करके भी डाल सकते हैं हम इसमें। स्ट्रिंगिफाई लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यार, देखो उसकी ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी, देखो उसकी ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी कि मोंगो डीबी में हमें जो एरर मिलता है तो वो डॉट 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 इतनी सारी वैल्यू मिलती है उसमें, है ना। एक्सियोस के एरर में भी इतनी सारी वैल्यू मिलती है, डॉट स्टेटस डॉट बॉडी, तो इसमें जब वो थ्रो नहीं कर पा रहा है तो मिल गया सर, ये इसका मतलब है थ्रो करना अलाउ है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें देख लेना ये कैसे होता है, मुझे भी एग्जैक्ट। अच्छा अच्छा ये देखो इस तरह करके होगा, ये इसने कहा है कि कांस्टेंट न्यू एरर, और एरर के अंदर आप डॉट डॉट करके जो मर्जी लगाते रहो, और लास्ट में उस एरर को आप रिटर्न कर दो, बल्कि थ्रो कर दो आप उस एरर को, मे बी एरर भी असल में एक ऑब्जेक्ट ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो स्पेशलाइज होता है। थ्रो न्यू एरर में सर जो स्ट्रिंग भेजे हैं ना, हाँ, वहाँ पर मैंने जेसन भेजा एक मैसेज और एक स्टेटस कोड उसके अंदर रखा, ठीक है। स्टेटस कोड को मैंने वहाँ नीचे पकड़ लिया रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में, मगर वहाँ पर वो एरर दे दे रहा है, बोला नहीं गेट नहीं हो रहा है। ये वाला तुम देखो जवाब इसका, यू फर्स्ट मैंशन दिस कोड, ऐसे सिंपल एरर भेज रहा है, एंड देन योर फर्स्ट एग्जाम्पल यू रोड दिस 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 ही हा, द फर्स्ट एरर ऑब्जेक्ट वुड एक्चुअली बी यूजफुल बिकॉज यू इट इज़ एक्सेप्टिंग अ स्ट्रिंग वैल्यू, इन दिस केस सिंपल, द सेकेंड वुड नॉट बिकॉज यू आर ट्राइंग टू पास एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सपेक्टिंग अ स्ट्रिंग एंड वुड डिस्प्ले एरर हेल्पफुल, द एरर ऑब्जेक्ट वुड हैव द मैसेज प्रॉपर्टी विच वुड बी सिंपल। अच्छा अच्छा ये कह रहे हैं कि इस तरह अलाउ नहीं है, ये असल में यही बताना चाह रहा है कि इस तरह करके अलाउ नहीं है। बताया नहीं।